राधे रानी करुणा बांसुरी मेरी। करत तेरी पैया पड़त हूँ, करुणा बांसुरी मेरी। रानी दे करुणा बांसुरी मेरी, करुणा बांसुरी मेरी। अधे रानी दे करुणा बांसुरी मेरी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण अर्थ तेज करो हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण ठीक ठीक हरि बोल हरे कृष्ण बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उधर का जो गेट का जो स्क्रीन है ना उसको बंद कर दो, तीनों बंद कर दो। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्त सो नीचे मत रखो वृद्धांग नीचे तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य क्षिप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपा मयि त्वां शरणं प्रवर्णा वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसारी करी चरण बंदन जाहा हित विघ्न नाश अभीष्ट पुरण तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम श्रुहिदावतारम अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतम स्वरूपम जं प्रभजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान त्वस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकशिपुर्वक्ष शिलाटंकनखालये इतर नृसिंह परतो नृसिंह जतो जतो जामी ततो नृसिंह हृदय नृसिंह बहिर्नृसिंह नृसिंह मादीं शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। एक ठीक है हरे राम ठाकुर जी को पहला दो राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सुखदेव गोस्वामी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में राधा रानी का नाम को उन्होंने स्पष्ट रूप में क्यों नहीं बताया, लेकिन उन्होंने तो बताया नहीं, लेकिन बताया कैसे, बोले छुपा छुपा करके उन्होंने श्री राधा जी का नाम को बताया। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग इसकी प्रमाण देते हैं, कहते भागवत का जैसे प्रथम श्लोक है, बोले जन्मादस्य जतो नयादि तरतस्य स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, इसमें बताते हैं बोले सत्यं परम धीमहि। कहते ये परम सत्य को ध्यान करते हैं। यहाँ पर जो परम शब्द है, कहते कृष्ण का जो पराशक्ति वो श्रीमती राधा रानी, तब उसको उदाहरण देते हैं बोले देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता। यहाँ पर श्री राधा रानी को कृष्ण की परा शक्ति रूप में यहाँ वर्णना करते हैं। इसलिए पहला जो श्लोक है श्री राधा रानी को वंदना करते हैं, क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी की जो गुरुदेव है वो श्री श्रीमती
राधा रानी। और नियम क्या है, प्रथमंतु गुरुम पूज्यम, सर्वप्रथम गुरु जी के चरण में प्रणाम करनी चाहिए। बोले श्री गुरुदेव की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, बोले श्रीमती राधा रानी की। कहते रासलीला का जो पहला श्लोक है, बोले भगवान अपि तारात्री सरद उत्फुल्ल मल्लिका बिक्सरंतु मनश्चक्री योग मायांग मुपाश्रिता। कहते रास से पहले श्री सुखदेव गोस्वामी राधा रानी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो श्रीमती राधा रानी ये रासलीला की वही अधीश्वरी रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी, इसलिए वृंदावन में जो रासलीला दिखाते हैं मंडली वाले, तो राधा रानी सिंहासन में बैठी हुई होती है और कृष्ण आकर के राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, राधे रास का प्रारंभ होने जा रहा है, आप तो रासेश्वरी है, आप कृपा करके रासलीला में आओ पधारो। जब राधा रानी आती हैं तभी जाकर के ये रासलीला प्रारंभ होता है, इसलिए यहाँ पर जो योग माया है वो राधा रानी को उपलक्ष्य करके यहाँ पर श्री राधा रानी को सर्वप्रथम वो वंदना करते हैं। कहते रासलीला में जब रास करते करते जब राधा रानी के मान हो जाता है और राधा रानी मान करके चली जाती, क्यों, वो देखती है हर गोपियों को साथ में कृष्ण एक एक रूप में है। अभी राधा रानी सोचती हैं क्या ये सबको साथ में मैं बराबर हो गई हूँ, राधा रानी का मान हो गया। जब रासलीला छोड़ करके चली जाती हैं श्याम सुंदर राधा रानी को लेकर के चले जाते, जब चले जाते गोपियाँ ढूंढती हैं कहाँ श्री श्याम सुंदर, उन्होंने ढूंढते ढूंढते देखते हैं कृष्ण की दो सुंदर सुंदर चरण चिन्ह देखते हैं, लेकिन कृष्ण का चरण की सेवा हर गोपियाँ करती हैं, वो पहचान जाती हैं ये श्री कृष्ण का गोविंद देव का ये चरण चिन्ह है। लेकिन जब और थोड़ी दूर जाते हैं गोविंद देव का दोनों चरणों के बीच में एक प्यारी एक सुंदर चरण चिन्ह दर्शन करते हैं, इसलिए कहते वहाँ तीन तरह के गोपियाँ हैं, एक तो स्वपक्ष एक विपक्ष और एक तटस्थ। स्वपक्ष मतलब जो राधा रानी का पक्ष में रहने वाले, विपक्ष मतलब जो केवल कृष्ण को ही प्रेम करने वाले, और तटस्थ मतलब जो कृष्ण को भी प्रेम करते हैं और श्री राधा रानी को भी प्रेम करते हैं। अभी जो कृष्ण पक्षीय जो गोपियाँ अभी कृष्ण का चरण को तो वो पहचानते हैं लेकिन राधा रानी के चरण को पहचान नहीं पाते, क्यों, राधा रानी के चरण की सेवा की नहीं। लेकिन जो राधा रानी की पक्षीय जो गोपियाँ होती हैं वो तो पहचान जाते हैं ये तो हमारी किशोर जी की चरण चिन्ह है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कौन, वो भी प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, ये राधा रानी की प्रिय सुख है। और जब देखती हैं कृष्ण सबको छोड़ करके केवल हमारी किशोरी जी की को लेकर के कृष्ण गए, सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न इतने खुश हो जाती हैं। यहाँ पर ये जो श्लोक है, बोले अनया आराधित नूनम भगवान हरिश्वर जन्ना बिहाय गोविंद, बोले देखो रासलीला में तो सारे गोपियाँ तटस्थ विपक्ष सुहृदिप्रख्य सब गोपियाँ थी, लेकिन कृष्ण गए तो किसको लेकर गए, कहते केवल हमारी श्री राधा रानी को लेकर गए। इसका मतलब है कृष्ण सबसे ज़्यादा किसको प्रेम करते हैं, श्री राधा रानी को। यहाँ उदाहरण देते हैं जैसे दो दल में लड़ाई हो, अभी जो दल जीत जाता है वो शंख बजाता है, कहते हमारी दल की विजय प्राप्ति हुई। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक को द्वारा अपना विजय पताका मतलब शंख बजा करके कहते हैं जितने गोपियों में अगर सर्वश्रेष्ठ रूप में किसने कृष्ण की सेवा की है तो हमारी श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की, पिछले कोई जय कोई है बोल रहे हैं जोर से बोलो, बोले श्रीमती राधा रानी की, इसलिए यहाँ पर उन्होंने राधा जी का नाम लिया। फिर गोपियों ने जब कृष्ण को ढूंढ कृष्ण फिर बीच में जब राधा रानी को छोड़ करके चले गए, फिर गोपियाँ ढूंढते ढूंढते राधा रानी को मिले, बोले कृष्ण को उनका भजन सबसे ज़्यादा प्यारा, चलो हम यमुना किनारा में बैठी करके कृष्ण की भजन करेंगे। जब उन्होंने गोपी गीत गाए, गोपी गीत में कृष्ण जब मन्मथ का मन्मथ रूप लेकर के उनको बीच में प्रकट हुए,
इतने में कुछ गोपियां आते थी जो कृष्ण का चरणों को पकड़ लिए, किसी ने कृष्ण का गलवहनिया कृष्ण को दिया, किसी ने उनसे तांबुल मांग रहे थे, कोई उनको दोपटा पकड़ रखी थी कुछ गोपियां। लेकिन कुछ गोपियां थी जो पास में फटक नहीं रही थी, कुछ दूर में खड़ी हुई थी। लेकिन एक गोपी थी जो दूर से खड़ी होकर के कृष्ण को बोले, एका भ्रुकुटि माबाध्या प्रेम संभृत भी बोला। जैसे टेढ़ी नजर में किसको पर क्रोधित होकर के हम टेढ़ी नजर से देखते हैं ना, एक जो गोपी थी दूर में खड़ी होकर के कृष्ण को बड़ी क्रोधित होकर के टेढ़ी नजर से वो देख रही थी। तो यहाँ पर लेकिन कृष्ण का नजर कहाँ पर था, जो चरण पकड़ा, जो हाथ पकड़ा, जो दोपटा पकड़े, किसी को प्रति कृष्ण का नजर नहीं, नजर केवल श्री, वो जो अकेली जो गोपी थी कृष्ण केवल उस तरफ में देख रहे थे। लेकिन भागवत आप पढ़ोगे, भागवत में कहीं नहीं बताया इस बात, लेकिन ये बात किसने बताए, बोले श्री सनातन गोस्वामी। कहते सनातन गोस्वामी कौन, बोले कृष्ण लीला में राधा रानी की एक मंजरी जो लवंग मंजरी, वो रास में वो भी थे, सनातन गोस्वामी तो थे रास में, क्योंकि वो लवंग मंजरी है ना, वो भी तो थे, उन्होंने सब चीज को देखा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो बात को नहीं बताए, हमारे सनातन गोस्वामी वो बात को बता देते हैं। कहते कृष्ण का जो चरण पकड़ रखे थे, उनको दोपटा पकड़े रखे थे, तांबुल, वो कौन है, बोले ये चंद्रावली की बख्या है। बोले कुछ गोपियां जो दूर में खड़ी होकर देख रही थी, वो कौन है, बोले ललिता विशाखा चंपकलता ये सब के सब रूप मंजरी रति मंजरी ये सब के सब मंजरियाँ हैं। लेकिन जो अकेली जो खड़ी होकर के देख रही थी कृष्ण का नजर केवल उनको प्रति, वो कौन है, बोले ये हमारी किशोरी जो और श्रीमती राधा रानी हैं। इसलिए कह रहे भले ही तू कोई तुमको चरण पकड़ लो, कोई उनकी गला गलबहनिया दो, तांबुल दो, लेकिन देखो तो गोविंद देव किधर देख रहे हैं, गोविंद देव केवल श्री राधा रानी को देख रहे थे। मतलब वहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ गुप्त रूप में श्री राधा रानी का नाम को यहाँ पर ग्रहण करते हैं। बोला श्रीमती राधा रानी की जय। ऐसे ही श्री सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो बड़े बड़े हमारे महाप्रभु का परिकर हुए, बहुत सारी जगह पर उन्होंने श्री राधा रानी की महिमा बताई, यहाँ पर श्री राधा रानी का नाम बताई गई है। कल हम लोग ये सब कथाओं को श्रवण कर रहे थे, अभी कृष्ण का कुछ बाल्य चरित्र को सुनते हैं। अभी कुछ गोपियाँ थी, ये क्या करती थी, ये गोकुल से ये लोग का आया करती थी मथुरा में। जब मथुरा में आती थी, ये तो गोपियाँ हैं, दूध दही बेचने के लिए आती थी, लेकिन जब आती थी मथुरा में, लेकिन गोपी मतलब क्या है, बोले गो मतलब होता है इंद्रियाँ और पी मतलब होता है पीना, जो नित्य निरंतर इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती हैं, ये ब्रज गोपियाँ जिनके कण कण में ही कृष्ण बैठे हुए, ये कोई भी दुनियादारी की बात नहीं करती हैं। जब आते हैं मथुरा में, कृष्ण की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कृष्ण की कथा बोलते हैं, बोले आज कृष्ण हमारे घर में आए थे, आज मैंने उनको पकड़ लिया था हैं, और कृष्ण आज मेरे स्वप्न में आए और मेरे साथ में ऐसे ऐसे मीठी मीठी बोली बोलते थे, इतने उनकी सुंदर तेरी सी चितवन ऐसे मीठी मीठी बोलते हैं। अभी एक वहाँ पर फल फल बेचने वाली थी, अभी कृष्ण कथा सुनते 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 उसकी रोम रोम में तो कृष्ण बैठे गए। अभी इसकी मन में भी इच्छा हो रही है, मैं भी एक बार गोकुल जाऊँ और कृष्ण का रूप का दर्शन करूँ। फिर सोचती हैं, मैं तो फल बेचने वाली और मैंने सुना वो नंद बाबा के लाला है, वो तो राजा घर का बेटा है, फिर उनके कृष्ण को दर्शन कैसे मिलेगा। फिर सोच रही हैं, बच्चों को फल बड़ा प्यारा लगता है, अगर केले अंगूर चीकू लेकर के जाऊं, दरवाजा को बाहर खड़े होकर के जोर जोर से आवाज़ लगाऊं, फल लेगा कौन फल, हो सकता है कृष्णा फल खाने का लोभ से आएंगे तो उनको दर्शन हो जाएगा। और उन्होंने आकर के बड़ी जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन कृष्ण का सखा लोग तो आकर के फल लेकर गए, लेकिन वो मक्खन चोर नहीं आया। वो बेचारी बड़ी दुखी होकर वापस चली जाती हैं। दूसरे दिन भी सुंदर सुंदर फल को लेकर के आती हैं, फिर दूसरे दिन भी जोर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन कृष्ण का सखा लोग तो आते हैं लेकिन वो कृष्ण नहीं आते हैं। दूसरे दिन भी बड़ी दुखी होकर के जाती हैं, लेकिन जब वो तीसरे दिन ही आती है ना, एकदम संकल्प लेकर के प्रतिज्ञा लेकर के, आज अगर मैं कृष्ण को दर्शन नहीं कर पाऊंगी तो आज गोकुल से मैं वापस नहीं आऊंगी,
और कृष्ण चिंता करते 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 वो इतना कृष्ण चिंता में डूब गई, फल बेचना भूल गई। कहती है गोपाल लेगा कौन गोपाल, गिरधारी लेगा कौन गिरधारी, दामोदर लेगा कौन दामोदर। अभी कृष्ण तो घटघटवासी सब जानते हैं, कौन भक्त कहाँ कैसे उनको पुकार रहे हैं वो तो सब जानते हैं। लेकिन जब तीसरे दिन आए, इतने में कृष्ण की जो उनका जो आंगन था, बहुत बड़ी आंगन थी, जहाँ पर गेहूं को ऊपर में कृष्ण खेल रहे थे, उनको कानों में ये आवाज़ टकराया। जब टकराया कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए, उन्होंने अंजलि में उन्होंने गेहूं उठाए और उन्हें जब चल पड़े, अभी तो कृष्ण छोटे बच्चे, उनका हाथ भी ऐसे नहीं हो पा रहा था और इनकी अंगुल को बीच में गेहूं गिरते 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 जा रहा था। बोले कहाँ गिर रहा था, बोले कृष्ण का चरण में। बोले ये गेहूं कौन है, बोले ये लक्ष्मी। हाँ मानो लक्ष्मी कह रही है। बोले प्रभु मैं तो आपकी घर की एक कोने में मैं पड़ी हुई हूँ, आपको तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं रही हूँ, फिर मेरे को घर से बाहर निकाल करके दूसरों को क्यों देने जा रही हो, इसलिए आपका मैं चरण पकड़ती हूँ, मेरे को बाहर मत निकालो। लेकिन कि जब कृष्ण चलने लग गए, अभी मैया ने कृष्ण के पैर में नुपुर बांध करके रखे थे, अभी ये नुपुर का छम 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 आवाज़ होने लग गया। मानो ये नुपुर कह रहा है, बोले कृष्णा कहाँ जा रहे हो, कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी ना, अघासुर बकासुर सबके सब आ गए थे, खबरदार अगर तुम बाहर जाओगे ना मैया को हम बोल देंगे। ये नुपुर माना आवाज़ हो रही है, मानो ये नुपुर ये सब बात कह रहा है। आप बोलो क्या नुपुर सचमुच से बोल रहा था, बोले हाँ, क्योंकि कृष्ण का शरीर में जितने अलंकार है वो सबके सब बलदेव प्रभु है, ये सबके सब बलदेव प्रभु, ये सबके सब चिन्मय अपराकृत दिव्य है। अभी कृष्ण ने देखा ये नुपुर तो मैया को बोल देगा, छम 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 आवाज़ हो रहा था, मैया को पता चलेगा तो बाहर जाने नहीं देगी। उनने क्या किया, वो नुपुर को थोड़ी सी उन्होंने ऊपर से उठा दी, ऊपर उठा दिया तो चुपक गया, चुपक गया तो कृष्ण धीरे 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 आए। वो जो फल बेचने वाली थी वो तो बाबरी बन करके, गिरधारी लेगा कौन गिरधारी, कृष्ण लेगा कौन कृष्ण, गोपाल लेगा कौन गोपाल, वो तो चिल्ला रही थी हैं। इतने में कृष्ण जब सचमुच से बाहर आए, उसने सुन रखा था कृष्ण इतने सुंदर, उनने जो सुंदरता सुन रखी थी, जब सचमुच से उन्होंने कृष्ण का रूप देखा, क्या अद्भुत रूप भगवान की। इसलिए कहते सुचारु वक्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचार चितांग चंदनम नमामि नंद नंदनम सुदीघ्र नेत्र पंकजम शिखे शिखंड मूर्धजम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंद नंदनम काशिकाग्र मौक्तिकम स्वच्छंत दंत पंक्तिकम नवाम्बुदांग चीकणम नमामि नंद नंदनम रेण वेणुरंजितम गति करींद्र गंजितम सुकुल पीत शोभनम नमामि नंद नंदनम सुंदरम नखादुति सुधाकरम अमूल्य रत्न भूषणम नमामि नंद नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंद। इसलिए कृष्ण बड़े सुंदर थे, इसलिए हमारे शास्त्र में वर्णना किया है कृष्ण इतने सुंदर इतने सुंदर। कितना नंद लाली तू यदि हो तो लाली गला कट जाती कर। इसलिए गोपियां कृष्ण को ताना मारती हैं, बोले अच्छा हुआ परमात्मा तेरे को लाला बनाया, अगर तू लाली बनती है ना पता नहीं सारा दुनिया का खेत्र मर जाते, तेरे को पाने के लिए युद्ध करते करते सब मर जाते। इसलिए कहते पहले पहले ये जो सर्प है ना ये सबके सब रास्ता में घूमते थे, लेकिन जब कृष्ण जन्म हुए ये जितने सर्प सब बिल में। बोले भगवान का जो हाथ को बताया भुज दंड गृहित कंठ,
भगवान के हाथ कैसे, ये सर्प को साथ में उन्होंने तुलना दिया है, सांप जैसे ऊपर से मोटे पतले हैं वो सर्प को साथ में। कल जितने जो शेर है ना, पहले मेन रोड में भी वो भी घूमते थे, लेकिन कृष्णा जब जन्म हुए ये सब के सब जंगल में चले गए। बोले किस लिए चले गए, भगवान की जो कमर को उदाहरण दिया सिंह ग्रीव, शेर जैसे भगवान की छाती चौड़ी और जो उनकी जो कमर बड़े पतली है, हैं, इसलिए शेर ने देखा हमें तो कोई पूछेगा नहीं, इसलिए चले गए जंगल में। कहते जो मेघ पहले नीचे रहते थे, लेकिन जब कृष्ण प्रकट हुए ना वो मेघ ऊपर चले गए। बोले क्यों, बोले कृष्ण का जो रंग इतने सुंदर है, श्याम सुंदर रूप है, नव जलधर भगवान का रूप है, इसलिए कृष्ण इतने सुंदर भगवान है, इसलिए कहते हैं भूषणांग भूषणांग में भगवान। जब उसने प्रभु का रूप को देखा, देख कर तो निहाल गई। हाँ देखो, अभी कृष्ण दो दिन तक क्यों नहीं आए, तीन दिन में कृष्ण क्यों आए, पहले दिन तो आ सकते थे। इसलिए कृष्ण शिक्षा देते हैं, देखो अगर मुझे खिलाना चाहते हो ना, पहले मेरे भक्तों को खिलाओ, पहले सखा लोग का अगर लिए, पहले मेरे भक्तों को सेवा करो, फिर मेरे सेवा करना। दूसरा कारण बताए, बोले जब तक पागल नहीं बनोगे ना तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। हैं, उसने दो दिन तक तो आई, जो कृष्ण मिले नहीं, तीसरे दिन में एकदम कृष्ण प्रेम में पागली नहीं हो गई, वो भूल गई फल बेचना। क्या कह रही है, गोविंद लेगा कौन, गिरधारी लेगा कौन, गोपाल लेगा कौन। इसलिए बोले कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, लेकिन ये जितने पागल सब झूठे पागल है, लेकिन ये सच्चा पागल कौन है, जो पागल है श्री बांके बिहारी के। इसलिए कहते भगवान के लिए पागल बनना ही पड़ेगा, पागल बने बगैर काम नहीं बनेगा। जैसे आप लोग सब पागल ही थे, हैं, अपना घर में पति को छोड़ करके, घर का काम धंधा छोड़ छाड़ करके, कितने कितने दूर से आप लोग यहाँ पर आते हो, हैं। इसलिए कृष्ण तीसरे दिन जब कृष्ण आए, अभी भगवान आते आते सारे गेहूँ नीचे गिर पड़ा, हाथ में केवल दो एक गेहूँ हाथों में, कृष्ण वो दो चार गेहूँ को उनका फल की टोकरी में डालते तो नीचे चला गया। कृष्ण बोले मेरे को फल दो, मेरे को फल दो। वो फल बेचने वाली कहते पहले तो तू तो मेरे कुछ दे, फिर तो मैं तुम्हें फल दूंगी, तू तो कुछ दिया ही नहीं, फिर मैं फल कैसे दूंगी। कृष्ण कहते हैं तू तो नई बात कह रही हो, मैं जब गोपियों के घर में जाता हूँ ना, मेरे को कोई कोई चीज़ मांगते नहीं, मेरे को बड़े प्रेम से गोद में बैठाते हैं, दूध मक्खन मिश्री क्या क्या गोपियाँ खिलाती हैं, और तू तो मेरे को मांग रही हो। इतने में वो फल बेचने वाली कहती है बोले देख बेटा, तेरे हाथ भी तेरे झोली भी मैं फल में भर दूंगी, पहले तो मेरे गोद में एक बार बैठ जा, एक बार मेरे को भी माँ बोल, फिर तो मैं भी तेरे को सारे फल दे दूंगी। अभी कृष्ण तो चक्कर में पड़ गए, क्योंकि वैसे ही गोपियाँ उनको चिढ़ाती रहती हैं, बोले अगर अनजान कोई छोटे जाति इसको गोद में अगर बैठ गया ना, अगर गोपियाँ देख ली, फिर तो मेरे को ताना मारेंगे। कृष्ण इधर देखा, आसपास में कोई तो है ही नहीं, देखा कोई है ही नहीं, कृष्ण झट गोद में बैठी गए, बोले भैया मेरे को फल दे दे। फिर कृष्ण खड़े हो गए, देखो ठाकुर जी, अगर किसको गोद में ठाकुर जी बैठते कोई साधारण बात है। कहते यद्यपि समाधि सुविधिरपि पश्यति न तब नखाग्र मरीचि। ब्रह्मा जैसे भगवान की चरण की नख की छटा तक को भी ये ब्रह्मा जैसे व्यक्ति को दर्शन नहीं होता है, आज वो परम ब्रह्म परात पर तत्व आज किसको गोद में, ये फल बेचने वाली गोद में बैठी, वो तो एकदम बाबरी बन गई, और उनकी टोकरी में जितने फल था कृष्ण के हाथ में दे दिया। अब तो कृष्ण छोटे बच्चे और ऐसे नहीं कर पा रहे, अपना पेट की सहारा में, बच्चे होते ना ऐसे पेट की सहारा में सारे फल आ गया। और कृष्ण फल जब लेकर के आए, मैया बोली लाला इतने सारे फल कहाँ से मिला, बोले एक फल बेचने वाले ने दिया। लेकिन कृष्ण तो सोच रहे थे किसने शायद देखा नहीं, उसकी गोद में मैंने बैठा, लेकिन गोपियों ने सब देख लिया, क्योंकि जब गोपियों ने देखा ये कृष्ण कहाँ जा रहे हैं, ये कृष्ण कहाँ जा रहे हैं, कुछ दिन पहले राक्षस आ गया था, हाँ राक्षसी, ये कहाँ जा रहे हैं। लेकिन कृष्ण जब गए हाथ में गेहूं लेकर गए थे, वो गेहूं रास्ता में गिरते 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 गेहूं गया था, हैं, गेहूं गया, उसको देखते 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 थे गोपियां फलों की। तब यहाँ पर शिक्षा देते हैं कृष्ण तो भगवान हैं, क्या उनको पता नहीं था वो गेहूं को देखते 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 गोपियां मेरे को पकड़ लेंगी, वो तो भगवान ही, क्या उनको पता नहीं था उनको, बोले सब कुछ पता है। पहले उन्होंने क्यों चिन्ह छोड़ कर गए,
तब हमारे शास्त्रकार कहते हैं बलतेसाम सतत युक्तानाम भजतांग प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम जनमाम उपजान्ति ते। कहते अगर मेरे को हृदय से कोई पुकारता है, हृदय से मेरे को कोई भजन करता है, उसको सारी बुद्धि विवेक देने वाले मैं हूँ, उनको रास्ता दिखाने वाले मैं हूँ। अगर मैं किसको पकड़ में नहीं आऊँ ना, जगत में किसका हिम्मत नहीं मेरे को अपना चेष्टा से हमें पकड़ ले। जैसे आप लोग भजन कर रहे हो, देखो भगवान हमें एक विशेष चीज़ दिया, जानते हो क्या विशेष चीज़ दिया? अब बता, आप लोगों ने कोई भगवान को अभी तक देखे हो? बता कोई भगवान को देखे हो कोई? लेकिन नहीं देखने पर भी ठाकुर हमें एक दिव्य ज्ञान दिया, लेकिन तब भी हमारे अंदर में दृढ़ विश्वास है ठाकुर है, ठाकुर जी है जगत में। हम कहते हैं ना उनके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता, ये विश्वास है कि नहीं? तभी तो भक्त लोग साधन भजन कर रहे हैं। अगर ये चीज अनुभूत नहीं होता हम कोई भजन करते? पता नहीं ठाकुर मिलेगे कि नहीं है, लेकिन भक्तों के हृदय में भगवान ये विश्वास दे करके रखे, नहीं भगवान कोई है जो कि ये दुनिया को चलाने वाला है, ये ठाकुर जी विशेष चीज देख ठाकुर ने दिया है। इसलिए गोपियों ने देख लिया कृष्ण कैसे उसकी गोद में बैठे और कैसे माँ बोले, गोपियों ने देख लिया था। इतने में गोपियों ने कहा, बोले मैया मैया तेरे को पता है ये फल बेचने वाली इतने फल ऐसे थोड़ी दे दी, पता नहीं कहाँ से बाहर से आई थी, जात पात कुछ ठीक है नहीं, और तेरे बेटा उसको गोद में बैठा उसको माँ बोला। कृष्ण तो सोच रहे थे किसी ने देखा है नहीं, देखा भैया ये गोपियों ने तो देख लिया, भैया तो पिटाई करी गई अभी। लेकिन माँ का नाम जसोदा, जसोदा मतलब क्या? सबको जो जस देती है, सबको जो जस देती है, ये जसोदा है। मैया का हृदय तो बहुत बड़ा, बोले उसमें क्या है, अगर मेरे बेटा किसकी गोद में बैठा, अगर उसने अपना मेरे बेटे को अगर कोई बेटा मानता है उसमें बुराई थोड़ी, तो अच्छी बात है। सब माताएं मेरे बेटे को अगर बेटे मानते हैं उसमें बुरा क्या चीज है? कृष्ण ने सोचा मैया मेरे फेवरेबल में है, मेरे तरफ में। फिर कृष्ण का छाती फूल गया, नहीं मैया मेरे तरफ में। इतने में मैया ने फल को धो धा करके अमणिया की और घर में जो सालग्राम को तुलसी पत्ते से उन्होंने भोग लगाया और सारे बच्चों को उन्होंने बैठा करके उन्होंने फल खिलाया। देखो ये फल बेचने वाली जब वो थोड़ी दूर गई ना, उसका जो टोकर थी देखा वो तो बड़ा भोजन हो गया। बोले ये भोजन कैसे हो गया? वो नीचे उतार करके देखती हैं उसको टोकरी में हीरे जवाहरात से भरा पड़ा हुआ। लेकिन वो तो कृष्ण का भक्त बन गई, बोले प्रभु आप मेरे को इसको देख रहे क्यों माया में डालना चाहते हो? मैं ये माया में फंसना नहीं चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ दिन में एक बार आपका ये बाल गोपाल रूप एक बार मुझे दर्शन दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने वो हीरे जवाहरातों को लेकर यमुना में उसने उड़ाल दिया, फेंक दिया। कहते उसको बाद में वो कहाँ गई किसको बता ही नहीं पड़ा, वो कहाँ चली गई। गुरुदेव कहते कहाँ चली गई? बोले ठाकुर जी कृष्ण को अपना पास में ले लिए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ, इसलिए यहाँ प्रश्न होता है कृष्ण इनकी गोद में क्यों बैठे? बैठे तो इनकी गोद में, कृष्ण क्यों गोद में बैठे इसका रहस्य बताते हैं। कहते भगवान राम जब तृतीया युग में वनवास गए थे, निषाद का राज्य में जब पहुंचे, इतने में निषाद का सारे परिवार वहां पर आए। उसी समय में निषाद राजा एक एक का परिचय दे रहे थे, बोले प्रभु राम ये मेरी माँ है, ये मेरी भाई है, ये मेरी पिताजी है। अभी भगवान का राम को साथ में गुह जो चंडाल था उनको साथ में मिताली हुई, उनकी मित्रता हुई। देखना कभी कभी अगर दो बच्चे अगर दोस्त बन जाते हैं ना, दूसरे माँ को भी ये बच्चा भी अपना माँ कहता है। इसलिए अभी भगवान राम रूप देख करके गुह के चंडाल का जो माँ थी ना, उसकी मन में तो बात्सल उमड़ आया। बोले क्या मेरा कभी सौभाग्य होगा भगवान राम को मैं भी कभी गोद में बैठा सकूंगी, मैं भी कभी स्तन पान करा सकूंगी कभी? इसकी मन में यही हुई। भगवान तो घटघटवासी सब जानते हैं। ठाकुर जी बोले देखो माता जी ये मेरा रामा बता रहे, ये मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम लीला, ये लीला में तो कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को छोड़ करके और किसकी गोद में मैं बैठ नहीं सकता हूँ। लेकिन जब मैं कृष्णावतार में आऊंगा सबको गोद में बैठूंगा, सबकी मैं इच्छा पूरी करूंगा। तुम
कृष्णा अवतार में आ जाओ और तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। इसलिए वही जो गुहक चंडाल की जो माता जी थी, वही माता ही द्वापर युग में ये फल बेचने वाले रूप में आई और वह हमारे कृष्णा इनकी उनकी गोद में बैठे और उनकी इच्छाओं को उन्होंने पूरी की है। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। हाँ, एक कीर्तन कर देते हैं। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौरांग जय निताई गौरांग, निताई 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 गौरांग, निताई गौरांग जय निताई गौरांग, जय सचिनंदन जय गौर हरि, जय सचिनंदन जय गौर हरि, जय सचिनंदन जय सचिनंदन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सब पीछे आवाज आ रही है, पीछे आवाज आ रही है कि नहीं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम आ।
हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि मैया को तो बड़ा आनंद मिला। आज लाला का शरीर में ताकत आ गया, लाला ने अपने आप करवट ले लिया। बोले इसके आज हम घर में उत्सव मनाएंगे। सब ब्रज गोपियों को नौता दे दी और अपना आंगन को खाली करके उन्होंने सारे दूर में एक बैलगाड़ी के ऊपर रख दी और कृष्ण को स्नान करा के उसको नीचे उन्होंने सुला दी। क्यों? बोले गोपियाँ आकर गीत गाएंगी तो लाला की कच्चा नींद टूट नहीं जाए। फिर लाला का अगर नींद टूट जाएगा, इतने सब गोपियाँ आएगी, किसको लेना, कुछ देना, कुछ करना, मैं करूँ कैसे? इतने में सब गोपियाँ बैठी करके आंगन में बड़े सुंदर कृष्ण की बाल्य लीलाओं को कीर्तन कर रही थी। इतने में कृष्ण का नींद खुल गया। नींद खुला तो देखा, अरे मेरे लिए ये कीर्तन हो रहा है, अब कीर्तन अभी मेरा, और मेरे को क्या कर रहे हैं, मेरे को उन्होंने ये बैलगाड़ी को नीचे मेरे को लेटा दी। अभी कृष्ण सोच रहे हैं मैं भी थोड़ा कीर्तन में आऊं और कीर्तन का आनंद मैं भी थोड़ा लूं। देखो यद्यपि भगवान का कीर्तन हम सबकी अच्छी लगती है, लेकिन पूर्ण रूप में किसको सबसे बढ़िया लगता है? बोले कृष्ण को। कहते कृष्ण नाम में इतने रस है, कृष्ण कीर्तन में इतना आनंद है, वो कृष्ण भी स्वयं अपना कीर्तन अब देखे होंगे कि सूरदास का छवि, जब सूरदास कीर्तन कर रहे थे कृष्ण स्वयं आकर के पास में बैठ कर कीर्तन कृष्ण स्वयं सुनते हैं। और ये जो हरे कृष्ण जो महामंत्र हैं ये सर्वप्रथम किसकी मुंह से निकली आप बता सकते हो? ये जो हरे कृष्ण महामंत्र सबसे पहले किसके मुंह से महामंत्र निकली बोलो? हाँ, कहते श्री राधा रानी के मुंह से सबसे पहले ये महामंत्र राधा रानी के मुंह से निकली। राधा रानी समझो, इसका राधा रानी का नाम, कृष्ण का नाम है, सबसे पहले विरह में राधा रानी के मुंह से ये नाम निकली। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु को नहीं, जो राधा रानी की भाव अंग कांति लेकर के आए और वृंदावन में इमिल तला को नीचे बैठ करके वहीं पर महाप्रभु ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जोर से बोल हाथ उठा कर बोला हरे कृष्ण। देखते हैं राधा रानी मुझे भी दर्शन करती है, मैं भी राधा रानी को दर्शन करता हूँ, लेकिन मैं राधा रानी को दर्शन करके मुझे जितने आनंद होता है, राधा रानी मुझे जब दर्शन करती हैं मेरे से करोड़ों गुण ज़्यादा आनंद श्री राधा रानी को मिलता है, करोड़ों गुण ज़्यादा आनंद है। इसलिए कृष्ण स्वयं अपना माधुर्य को प्रेम को आस्वादन करने के लिए राधा रानी की भाव अंग कांति ये दोनों को लेकर के कृष्ण कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आते हैं। अभी कृष्ण की इच्छा मैं भी थोड़ा तो कीर्तन का आनंद लो, लेकिन कृष्ण तो आज ही उन्होंने करवट लिया, अभी घुटन पर भी प्रभु को चलना नहीं आता है। कृष्ण ने सोचा अगर मैं रो लूं मैया मेरी रोने की आवाज सुन करके मेरे को ले जाएगी। इतने में कृष्ण रोना प्रारंभ की, लेकिन सब गोपियां जोर जोर से गीत गा रही थी, मैया तो लेन देने में लगी हुई है, किसको कौन आया कौन नहीं आया, किसको देना क्या लेना। अभी तो मैया को कान में तो रोने का आवाज ही नहीं पड़ा। कृष्ण ने देखा इतना तो रो लिया, कब तक रो में इतना तो रो लिया, तब भी मेरी मैया को मेरे को ले करके नहीं जा रही है। इतने में जो कृष्ण की जो इच्छा शक्ति जोग माया ने ये कंस को प्रेरणा किया, कंस ने उन्होंने भेज दिया, इसका नाम था ये सकटासुर नाम था, ये पूर्व जन्म में ये था, इसका नाम था उत्कच, हिरण्याक्ष का बेटा था। एक दिन लोमहर्ष ऋषि की बाग में प्रवेश करते हुए सारे बगीचा को उसने उजाड़ डाला। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, इसलिए भगवान तेरे को इतने मोटे छोटे बनाए, लंबे चौड़े संतों की ठाकुर जी की बाह को उजाड़ने के लिए मैं अभिशाप देता हूँ। जिस शरीर गाड़ी में सवार हो गया, सोचा धीरे 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 दबाते
आला गोपियों से पड़ गया, जियो जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग अमतरो काना उआ उआ, मतरो काना उआ उआ, समझावे सुनंदा बुआ, समझावे सुनंदा, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी। बोला नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया की। हाँ देखो कृष्ण यहाँ शिक्षा देते हैं, बोले मैया मैं जैसे धन रहते, बच्चों के लिए देखो बच्चे का बर्थडे आ जाए पता नहीं कितने लोग कितना ड्रेस देते हैं, कितने लोग कितने ड्रेस देते हैं, यहाँ पर शिक्षा देते हैं नहीं, उसका नाम उत्सव। उत मतलब होता है निकाल देना, रह जाएगा सब, इसका मतलब है अगर घर में कोई तुम्हारी बर्थडे नहीं तो शादी फादी हो रहा है क्या करो, अगर वहां से भगवान को अगर तुमने निकाल दिया रह जाएगा सब। सब मतलब होता है मरा हुआ, कहते भूतों का ध्यान, पता नहीं उल्टा पुल्टा डिस्को ध्यान से लगा करके कितने बोतलों तुड़वाते हैं, कितने जानवर को ख़त्म कर देते हैं, अपना बच्चे की शादी, हाँ बच्चे की बर्थडे में शादी में कितने पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा काम करते हैं, लेकिन ठाकुर के लिए कुछ नहीं करते। भगवान कहते अगर मेरे को निकाल दोगे ना फिर यही समय ठोकर मारूंगा ना सब सत्यानाश कर दूंगा तेरी, इसलिए क्या करो अपना बेटे के लिए अपना लिए पहले देखने से पहले ठाकुर के लिए कपड़ा है कि नहीं, हमने भगवान को पहले भोग लगाया कि नहीं, ठाकुर जी की सेवा कुछ किया कि नहीं, पहले ये चीज को देखो, पहले अपना चीज मत देखा करो, पहले देखो भगवान के लिए कुछ बनाया कि नहीं, ठाकुर की सेवा पूजा हुई कि नहीं। कल बता रहा था ना जैसे अपना शरीर को अच्छे तरह से ड्रेसिंग करो श्रृंगार करो और शीशा को सामने खड़ी हो जाओ, देखना परछाई को श्रृंगार करने का जरूरत नहीं, अपना शरीर को श्रृंगार करो परछाई अपने आप सज जाती है। उसी तरह जब भगवान की अच्छे तरह से सेवा करोगे भगवान की श्रृंगार करो उनको अगर खुश है ना ठाकुर जी घर में सब खुशहाली रहेगी, घर में सब सुख शांति रहेगी, लेकिन ये शरीर को तो दिन में 3 बार स्नान कराएंगे पता नहीं क्या क्या क्रीम लगाएंगे क्या क्या ब्यूटी पार्लर में लेकर के सजाएंगे शरीर को, लेकिन भगवान जैसे तैसे बैठे हुए उनकी सेवा में हमारे कोई ध्यान नहीं, इसलिए भगवान कहते अगर ऐसे करोगे ना ऐसे ठोकर मारूंगा सब याद दिला दूंगा तुम्हारी, इसलिए पहले क्या करो ठाकुर जी के लिए पहले करो उसके बाद में अपना दुनियादारी के लिए हमें करनी चाहिए। अभी कृष्णा धीरे धीरे बड़े हुए, आज तक कृष्ण करवट ठाकुर ने आज करवट ठाकुर लिया, जब बच्चा जब चलता है कभी कभी पेट की सहारा से कभी बच्चा चलता है सांप जैसे बच्चा कभी कभी चलता है, अभी कृष्ण की इच्छा है अभी ये घर को पार होकर के मैं बाहर जाऊं। पहले हर घर में दहली होता था, हर घर में पहले दहली हुआ करता था, अभी नंद बाबा का दहली चौकट बहुत ऊंचाई है, अभी कृष्ण अपने पेट के सहारा में घिसड़ते घिसड़ते दहली के ऊपर में आए, जब आए अभी आधा दहली को बाहर और आधा अंदर, और कृष्ण तो पूरा के पूरा ऐसे लटक गए, कृष्ण ऐसे लटक गए बाहर भी नहीं जा पा रहे, कृष्ण अंदर भी नहीं आ पा रहे, लटकंत भगवान है। ठीक इसी समय में नारद जी अपना एक ऋषि को साथ में वो देखने के लिए आए प्रभु कैसे लीला कर रहे, नारद देखा तो ये लटकंत भगवान, हाँ ठाकुर जी लटक रहे हैं ठाकुर जी, ये लीलाओं को देख करके ठाकुर जी श्री नारद जी बड़े जोर से ठा लगा करके हा 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 करके जोर से हंसे, थोड़ी देर बाद में फिर रोए, उनको साथ में जो ऋषि थे बोले नारद जी आप तो पहले हंसे बाद में रोए क्यों, बोले इसलिए मैंने हंसा भगवान अपना भक्तों को आनंद देने के लिए क्या नहीं करते हैं, क्या ठाकुर दहली को पार नहीं हो सकते हैं, जिनका नाम लेते हैं जीव भवसागर से पार हो जाता है, देखो ठाकुर जी कहीं लटक रहे क्या पार नहीं हो सकते थे, क्यों केवल अपना भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्त लोग इसी लीलाओं को चिंतन करते करते एकदम डूब जाती हैं लीला में भक्त लोग, इसलिए भक्तों का सौभाग्य को देख करके, बोले रोए क्यों, बोले ज्ञानियों का दुर्भाग्य को देख करके, जो ज्ञानी होते हैं
जो भगवान को निराकार निर्विशेष ज्योति स्वरूप मानते हैं, भगवान का ये लीला को नित्य नहीं मानते हैं। कहते ये ब्रह्म को भी जब माया पकड़ लिया, ये ब्रह्म ने जीव बनकर के राम और कृष्ण बनकर के आए, इनकी जब मुक्ति हो जाएगी ना, ये भी जाकर के ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए इनके जितने ये सब लीला है, सब माया की लीला है, हैं? ये लीला नित्य नहीं, इसलिए ये लीला को वो स्मरण नहीं करते हैं। लेकिन भगवान का जो लीला है वो नित्य लीला है, दिव्य अपराकृत है। इसलिए कृष्ण कहते हैं ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जो जन्म कर्म ये दिव्य ये अवलौकिक ये अपराकृत है मेरे लीला। इसलिए उनकी दुर्भाग्य को सोच सोच करके मैं रो रहा था। ठाकुर जी अभी धीरे 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 जब बड़े हुए, जब कृष्ण बड़े हुए, देखना बच्चा जब बड़ा होता है ना, इतने चंचल होता है ना। अभी घर में एक बच्चा नहीं, घर में दो बच्चे हैं, दाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया हैं, ये दोनों बच्चे हैं घर में। अभी बच्चे घर में जिसकी मन में जो इच्छा होता है, देखना बच्चों को वैसे नाम से पुकारते हैं, टुल्लू बुल्लू छोटू फोटू जो आता है उसी नाम से बच्चों को पुकारता है। अभी श्री नंद बाबा सोच रहे हैं लाला का कोई अगर एक निर्दिष्ट नाम हो जाता, हम उसी नाम से बच्चे को पुकारें। लेकिन अभी क्या हुआ, वसुदेव महाराज भी सोच रहे हैं, लाला तो मेरो है, लेकिन आता रात मैंने दे करके आ गया। लेकिन नंद बाबा क्या सोच रहे, लाला मेरो है। अभी दोनों सोच रहे लाला मेरो है। अभी वसुदेव महाराज सोच रहे हैं अगर ये नंद बाबा लाला का कोई नामकरण कर दिया ना, फिर तो एक बार तो नाम होता है ना, फिर उसी नाम से पुकारते हैं। एक दिन उन्होंने श्री गर्गाचार्य को वसुदेव महाराज बुलाए, बोले हे गर्गाचार्य, आप तो त्रिकाल दृष्टा सब अब जानते हो, ये कृष्ण मेरा बेटा है, मैंने रातारात वहां पर रख करके आ गया। लेकिन नंद क्या सोच रहे हैं, ये बेटा मेरा, लेकिन बेटा किसका है बोलो, आप बोलो बेटा किसका है, वसुदेव महाराज का नहीं है, हाँ उनका भी है, वसुदेव महाराज का भी आंशिक रूप में श्री वसुदेव महाराज का, लेकिन पूर्ण रूप में किसका, नंद बाबा का। इसलिए बोले एक काम करो, आप थोड़ी सी गोकुल में जाओ और मेरे बेटा का थोड़ा नामकरण करके आ जाओ। गर्गाचार्य जो इतने खुश हो गए, अहो भाग्य है, आज भगवान का नामकरण करूंगा। और जब छोटा बच्चा होता है ना, नन्हे मुल्ले उनका हाथ होता है, प्यार होता है, कितना कोमल होता है। अब बच्चे को गोद में लो, देखना बाल खींचेगा, कपड़े को खींचेगा, अपना प्यार में खड़ा नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए कहते इनकी गोद में आज भगवान को अपना गोद में लेकर के मैं नामकरण करूंगा, मेरे कितने सौभाग्य। एकदम ध्यान में डूब गए गर्गाचार्य। अभी गर्गाचार्य गोकुल में आए, जब गोकुल में आए नंद बाबा देख कर कहते हैं, बोले महत विचरणाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम। बोले ये संत लोग घर में क्यों आते हैं, क्या कुछ लेने के लिए? बोले लेने के लिए नहीं, संत हमें देने के लिए आते हैं। बोले संत क्या देते हैं, हम तो उनको कुछ भिक्षा देते हैं, कुछ आटा रोटी सब्जी कुछ हम देते हैं, वो क्या हमें देते हैं? बोले हम तो ये छोटे मोटे चीज देते हैं और संत लोग हमें बहुत बड़ी चीज देते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जीव जाग गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पीसा चीर कोले, जीव जाग गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पीसा चीर को, आ भजी बलिया ऐसे संसार भीतरे भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भोरे, संसार भीतरे भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भोरे। हाँ देखो ये बंगला कीर्तन है। ये भक्त मनोहर ठाकुर कह रहे हैं संत लोग हमें जगाने के लिए आते हैं, हम सो रहे हैं, बोले माया की नशे में हम सो रहे हैं। लेकिन भगवान से क्या बोल करके आए थे, ठाकुर जी हमें ये मानव शरीर दे रहे हो, उठते बैठते सोते तेरे नाम ही जप करूंगा और कभी ये माया संसार में मैं फंसूंगा नहीं। लेकिन यहाँ आकर के वो तो जो काम के लिए आए थे असली काम तो भूल गए और जो नकली काम में लग पड़े। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, आए थे हरि भजन को वो टन लगे कपास,
भजन के लिए आए लेकिन उल्टा काम में हम लग पड़े संसार, ये घर गृहस्थ में हम फंस गए। इसलिए कहते जगो, कब तक सोते रहोगे हैं, कब तक तुम सोते रहोगे संसार में, जगो। क्या जगो? बोले भगवान की नाम लो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबद्धत, श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त कर उठो। ये माया जो सूरज है, ये काल है, ये सारे परमायु को तुम्हारी नष्ट कर रहा है। लेकिन जितने समय तुम भगवान के भजन करोगे, उस समय को काल नष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान के भजन करो, भक्ति करो। इसलिए जो महत लोग जो आते हैं हमारे घर में, हमें जगाने के लिए, भक्ति को समझाने के लिए आते हैं, भैया ये जीवन पाकर के भगवान के भजन करो, ये जीवन बारम्बार ठाकुर तुम्हें नहीं देने वाले। इसलिए श्री नंद बाबा इतने खुश हो गए, आज मेरे घर पवित्र हो गया। क्यों? आज हमारे घर में संत आए। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, जब तक हमारे घर में भक्त लोग नहीं आते हैं ना, जब तक उनकी चरण धूले नहीं पड़ता है, घर तब तक पवित्र नहीं होता है, हैं? लेकिन हम क्या करते हैं, अभी घर में संत नहीं, जुआरी आते हैं, घर में अतिथि नहीं, सबके सब शराब ही, जब मदिरा पीने वाले ये सब हमारे दोस्त है, संतों को घर में नहीं बुलाते हैं, वो जुआरी शराबी सब दोस्त हमारी है। ये लोग हमारे घर में हमारा घर में आते हैं, लेकिन नहीं, घर में संतों को बुलाओ, घर में हरि नाम कीर्तन कराओ। जिस घर में हरि कीर्तन हो, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, यदि न गृह भजन देखी गृह ते लोग भाई, जब घर में भक्त लोग आकर कीर्तन करे तो घर घर नहीं, वो घर साक्षात भगवान की धाम गोलोक वृंदावन बन जाता है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए और वो खुद बोल पड़े, बोले आप जब कृपा करके आए हो, अभी हमारे लाला का कोई नामकरण नहीं हुआ, आप थोड़ी सी बच्चे का नामकरण करवा दो। गर्गाचार्य तो खुश हो गए, बोले इसलिए तो मैं आया था, ये तो अपने आप बोल रहे हैं। लेकिन गर्गाचार्य और एक बात बताया, बोले देखो एक विपत्ति आ सकती तेरे लाला के ऊपर। बोले क्यों? कहते मैं जो पुरोहित हूँ, किसका पुरोहित हूँ? वसुदेव महाराज का। अगर कंसों को ये बात पता चल जाएगा ना, फिर सोचेगा ये तो वसुदेव महाराज का पुरोहित है, ये फिर क्यों गया गोकुल में, क्यों गया ये नामकरण करने के लिए, क्यों आया? क्यों? कंस एक एक राक्षस को भेज रहे हैं, कृष्ण अभी किसको मार डाले हैं, पुतना को मार चुके हैं, सकटाक्षुर को मार चुके हैं, तृणाव्रत को मार चुके हैं। अभी कंस के मन में डाउट हो रहा है, ये जो आकाशवाणी हुई थी, तेरा जो काल अन्यत्र जन्म ले चुका, यही बच्चा तो नहीं? इसलिए शंका हो जाएगी। गर्गाचार्य बोले एक काम करे, वो नंद बाबा बोले एक काम करो, किसी को हम बताएंगे नहीं, ये गैया जहाँ पर बंधे हुए रहते ना गोष्ठ, उसका अंदर में आप छुपा करके नामकरण कर दो। बोले ठीक है। अभी कृष्ण बलराम को माँ जसोदा और रोहिणी लेकर के आए, पहले श्री दाऊ भैया का नामकरण किया। जब उन्होंने आंख बंद किए, ये दाऊ भैया कौन है? देखा ये कोई साधारण नहीं, ये कौन है? बोले शंकर सण कारण तय साई, गर्भोद साई चपय अब्धि साई, शेषांश जस्यांश सकला सनित्यानंदाख्य रामम शरणम प्रपदे। बोले ये जो अयम ही रोहिणी पुत्र, ये जो रोहिणी का जो बेटा है ना, साधारण नहीं, विश्व ब्रह्मांड जिनसे सृष्टि प्रलय होता है, ये मूल शंकर सण है, इनकी चतुर्व्यूह रूप में प्रकट होते हैं, जो गर्भदशाई कारणदशाई क्षीराब्धि शेष बहु रूप में भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए जो रोहिणी का बेटा है, इसका नाम होगा बलराम। बोले बलराम क्यों होगा? बोले बल्लाधिक्यात बलम विदु, वो देखने में बड़े हृष्ट पुष्ट थे, हैं, और बड़ा ताकतवान थे। और भक्ति को बल कौन देते हैं? श्री बलदेव प्रभु, भक्ति देने वाले बलदेव प्रभु। इसलिए इनका होगा बलराम। राम मतलब सबको ये आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। लेकिन इसका और एक नाम भी होगा शंकरसण। बोले क्यों? बोले ये पहले तो देवकी गर्भ में आए और इनको आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापन की गई, इसलिए इनका एक नाम शंकरसण भी होगा। और कभी जद्दू वंश में, अगर कभी गोप वंश में किसी बात को लेकर के लड़ाई होना, ये ऐसे एक बच्चा बनेगा, ये किसको लड़ने नहीं देगा, सबको एकत्रित करके रखेगा, इसलिए इनकी दो नाम कर दिए। बोले श्री दाऊ भैया की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया की, बोले श्री शंकर सण प्रभु की। अभी कृष्ण का नामकरण करेंगे। गर्गाचार्य तो त्रिकाल दृष्टा, उन्होंने आंख बंद किए, आंख जब बंद किए ना, ये आंख खोल ही नहीं रहे थे। बोले क्यों नहीं खोल रहे थे? अगर किसी बच्चा का एक दो बीस नाम हो ना, कोई एक नाम दे दो,
उन्होंने देखा ये विश्व ब्रह्मांड में जितने सब नाम है ना, इसका ही नाम है। कितना ठाकुर का नाम देखो, कृष्ण, गोविंद, दामोदर। आपको जयपुर में तो ठाकुर का यहाँ तो मेला लगा हुआ है, गोविंद देव, राधा रमन, राधा माधव देव, राधा दामोदर, यहाँ पर तो कितने ठाकुर का नाम है। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने एक सुंदर भजन लिखा है, ये भजन का पीछे पीछे दोहराना। बोले हरि नाम तो अनेक स्वरूप, हरि नाम तो अनेक स्वरूप, जसोदनंद आनंद वर्धन नंद आनंद वर्धन नंद तनय रस कोप नंद तनय रस कोप हरि नाम तो अनेक स्वरूप, हरि नाम तो अनेक स्वरूप। मैंने भगवान की नाम को दे देकर बड़ा सुंदर कीर्तन लिखा। और जो भजन को रोज गाते हैं, कौन सा भजन? जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। इसलिए ठाकुर का अनंत नाम, अभी गर्गाचार्य सोच रहे भैया नाम तो कौन सा नाम दूं, फिर जब ध्यान देखा उनको विराट रूप देखा ठाकुर जी की, जितने ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र जिनकी शरीर से प्रकट हो रहे हैं, कितने मत्स्य कुर्म बराह, कितने सारे अवतार विश्व ब्रह्मांड को दर्शन किया। अभी गर्गाचार्य सोच में पड़े गए भैया इसका नाम कौन सा नाम दूं, अब आँख ही नहीं खोल रहे थे। और नंदबुआ तो व्याकुल हो रहे थे, बड़ा बेटा का था नाम हो गया, लेकिन मेरा छोटा बेटा कान्हा का कौन सा नाम होगा। उनको पकड़ कर हिलाए, बोले ज्योतिषी उठो, क्या आँख क्यों नहीं खोल रहे, तो आँख खोलो। जब आँख खोले ना, बोले देखो तुम्हारी ये जो बेटा है, बोले आसन वर्णास्त्रयजस्य गृह्णोत अनुजुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णताम गत। बोले तेरे बेटा हर जुग जुग में आता है, ये सत्य युग में उसने शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, त्रेतया युग में रक्त वर्ण धारण करके आया था, और जब कलि युग होगा ना, देखो ये द्वापर युग में गर्गाचार्य से खुद कहते हैं, जब कलि युग आएगा तुम्हारे जो बेटा ये गौर वर्ण धारण करते हुए नवद्वीप में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आएंगे, और सर्वत्र ये हरि भक्ति को जगत में प्रचार करेंगे सारा दुनिया में, और वही इदानी अभी ये कृष्ण रूप में आया, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण नाम होगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले इनका नाम तो बहुत सारे नाम, लेकिन जब हम बोलते हैं ना कृष्ण नाम से क्यों बोलते हैं, कृष्ण का बहुत अर्थ होता है। एक अर्थ होता है जो सुंदर है, और क्री मतलब हो जा अपने तरफ में जो आकर्षण करते हैं, स्ना मतलब सबको जो आनंद देते हैं, हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। अब बहुत सारे रंग को मिलाओ, देखना सबके सब अलग अलग रंग दिखेगा, लेकिन उसमें थोड़ा काला रंग मिला तो वो क्या होता है, सारे रंग काला ही काला हो जाएगा। इसका मतलब है अगर किसी ने एक बार काला रंग में रंग जाए ना, तो चढ़े ना दूजो रंग उसको ऊपर, फिर कोई रंग नहीं चढ़ता है। जैसे आप लोगों को ऊपर चढ़ा है, हैं, ये काला रंग चढ़ा तो सारा दुनिया को एक तरफ में। इसलिए हमारे जो रूप गोस्वामी है ना, जो जो गोविंद देव खड़े हैं, देखो इनके लिए वो क्या कहते हैं,
प्लस मेरांग भंगी त्रय अपरिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टि। ये गोविंद देव के लिए कह रहे हैं जिन्होंने इसको प्रतिष्ठित किया। क्या कहते हैं? बोले खबरदार वृंदावन मत जाओ, मना कर देते हैं वृंदावन में मत जाओ। अगर भूल से चले गए ना, वो वहाँ पर एक कैसी तीर्थ घाट है, वहाँ पर तो जानी नहीं चाहिए। अगर किसी तरह से भूल से वहाँ पहुँच गए, ये जो गोविंद देव का जो मंदिर वहाँ तो प्यार मत रखा करो। बोले क्यों? बोले अगर ये रूप के एक बार तुम देख लोगे ना, अगर इनका जो तिरछी चितवन नहीं, वो तिरछी तीर चलाते हैं, उनकी मिठी मिठी मुस्कार हाट नहीं, ये जादू है, इनकी जादू है। हाँ कितना बांके बिहारी की देख छटा मेरे मन है गयो लटा बेटा। इसलिए अगर उनके सर पे जो मोर पंखा की, खबरदार इसको कभी विश्वास मत करना। अगर इसको पति देखेगा ना, पत्नी को भूल जाएगा। अगर पति पत्नी देखेगा तो पति को भूल जाएगी। अगर पिता माता देखेगा तो बच्चे को भूल जाओगे, बच्चे को देखेगा तो पिता माता भूल जाएंगे। जो एक बार उनको देखे ना, फिर अब फिर घर में वापस नहीं आओगे। फिर राधे राधे बोल और वृंदावन में डोल, पागल होकर के उन्होंने रखा कृष्ण नाम इनका रख दिया। जब कृष्ण बोले तुम्हारी जो बेटा है ना, हर जुग जुग में आता है, कब ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए। क्यों? जब तक बहू नहीं आती है ना, माताओं को सारे घर का कामकाज माताओं को करनी पड़ती। लेकिन जब बहू आ जाती है क्या होता है, फिर घर का कामकाज को बहू संभाल लेती हैं। और इनको बुढ़ी उम्र में बचा हुआ, इसलिए सोच रही हैं ज्योतिष ये तो बताए बेटा कितने उम्र में शादी होगी और कितने शादी इनकी होगी, कहाँ कहाँ होगी, ये तो बात बताए। बिना कारण की बात, दुनिया की बात, बेकार बात बता रहे हैं। लेकिन इतने में गर्गाचार्य एक श्लोक बोले, मैया तो बड़ी बूढ़ी, संस्कृत तो पढ़ी है ही नहीं। देखो एक श्लोक का किसी दो अर्थ होता है। बोले बहुनी संति नामा, बोले ज्योतिष अभी काम की बात बताए हैं, हर इतना खूटा बेटा का नाम रखा कृष्णा। बोले नाम तो बड़े अच्छे है, लेकिन ये कृष्ण नाम ऐसे टेढ़ा नाम है ना। अब कृष्ण बोलो, जब तक ये जीवा तीन बार टेढ़ा नहीं हो जाता ना, कृष्ण नाम नहीं निकलेगा। अब कृष्ण बोलो, ये जीवा कृष्ण तीन जगह से टेढ़े है ना, गोविंद जगत में टेढ़े, इसलिए इनके नाम भी बड़ा टेढ़ो है, हैं? बोले नाम तो बड़ा टेढ़ा नाम, ठीक है कोई बात नहीं, ये जन्म पत्री में ये नाम रखा करो, लेकिन घर में बुलाने के लिए ना बड़ा बेटा का नाम है बलुआ, छोटा बेटा का नाम कनुआ। कनुआ और बलुआ नाम से हम घर में फुकारा करेंगे। बोले श्री कनुआ बलुआ की, बोले श्री कृष्णा बलराम की, जय जय श्री राधे। एक दिन कृष्ण अनुभूति उन्होंने ये किया, कहते कृष्ण जब दूसरे दूसरे घर में मक्खन कृष्ण चोरी करते थे, गोपियां तो लीलाओं को दर्शन करती थी, कृष्ण कैसे सुंदर सुंदर लीला करते हैं, लेकिन ये मैया को पता नहीं चलता था कृष्ण दूसरे दूसरे घर में भी बड़े सुंदर ये लीला करते हैं। इसलिए कभी कभी गोपियां आकर के ना मैया के पास में शिकायत करती थी, हाँ शिकायत करती थी। एक दिन कृष्ण ने सोचा, अभी तो मेरे नाम मक्खन चोरा नाम पड़ेगा, दूसरे दूसरे घर में मक्खन चोरी करूंगा, पहले अपना घर में चोरी करके देख लेता हूं मैं सक्सेसफुल हो पाता कि नहीं है। अगर सक्सेसफुल अगर हो जाए, फिर दूसरे घर में भी मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। एक दिन मैया की नजर बचाते हुए कृष्ण अपना घर में ही मक्खन चोरी किया। मैया दूसरे घर में काम कर रही थी, अलग घर में कृष्ण उखलों के ऊपर खड़े हो गए और मक्खन उतार उतार कर कृष्ण खा रहे थे। लेकिन नंदबाबा का घर कैसे हीरे जवाहरात से बने हुए, पिलर कैसे मणि स्तंभ है, ठाकुर जी का घर है ना, कद श्रयत इंदिरा, जहां पर एक लक्ष्मी नहीं, जहां पर करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी जहां पर सेवा करती है, चिंता मणि सबके सब है ब्रज में। कृष्ण जब मक्खन चोरी कर रहे थे ना, अभी कृष्ण का उम्र था 3 साल के, अभी कृष्ण को ये भी पता नहीं कोई परछाई भी होता है। कृष्ण जब मक्खन चोरी कर रहे थे, वो पिलर जो मणि स्तंभ में इनका परछाई पड़ा। कृष्ण देख करके बोले, भैया मैं जैसे मक्खन चोरी कर रहा हूँ, मेरे जैसे और भी कोई अंदर में आ गया, वो भी चोरी कर रहा है, ये तो देख लिया, भैया को बोल नहीं दे, इसको साथ में मैं दोस्ती कर देता हूँ। बोले दोस्ती कैसे करोगे? बोले ददाती प्रति गृहणाती, दो और उनसे लो, उनको खिलाओ और उनसे खाओ, तभी तो दोस्त बनता है ना। कृष्ण ने सोचा इससे दोस्ती कर देता हूँ। उन्होंने मक्खन निकाले, बोले भैया तू भी खा मैं भी खाता हूँ, लेकिन भैया को बोलना नहीं। अभी परछाई भी वही बोला, तू खा मैं खाता हूँ, भैया को बोलना नहीं। कृष्ण को तो पता नहीं ये परछाई, बोले ये मेरे घर में आकर के मेरे को उपदेश दे रहे हो तू, हैं? मेरे घर ये और मेरे को बोल रहे खा, मैया को बोलना नहीं। फिर परछाई वही बोला,
अभी तो कृष्ण परछाई से ही लड़ाई करना शुरू कर दी। मैया दूसरे घर में थी, बोले घर में तो कोई है ही नहीं, ये किससे लड़ रहा है। जैसे बिल्ली धीरे धीरे आते हैं ना, ऐसे मैया बिल्ली जैसे अपना पैर को दबाते दबाते आई, देखा कृष्ण अपना परछाई से ही लड़ाई कर रहे हैं। बोले लाला किससे लड़ रहे हो, बोले मैया भी देख लिया तो हो गया काम। इतने में कृष्ण ने छलांग लगाया, वो जो पिलर था ना उसको ऐसे पकड़ लिए, बोले मैया मैया हमारे घर में एक चोर आ गया हो। बोले कहाँ, बोले इसके अंदर में है। मैया बोली देखो कितने भोले वाला देखो ये। इतने में मैया कहती घर में तो चोर आ गया, ये बताओ तेरे हाथ में ये मक्खन कैसे लगा, घर में तो चोर आ गया मक्खन खा रहे लेकिन तेरे हाथ में कैसे लगा। कृष्ण ने देखा ये बात सही, बोले तूने मेरे हाथ में जो मणि का कंगन पहना दी थी ना वो गर्म हो गया था, मैंने मटकी में डाल करके ठंडा कर रहा था। बोले हाथ को तो ठंडा कर रहा था लेकिन तेरे मुंह में कैसे लग गया। बोले भैया ये भी सही है। बोले मैया मुंह में चिट्टी चिट्टी चल रहा था, मैंने चिट्टी को जब हटाने के लिए गया ना मुंह में मक्खन लग गया। मैया बोली कान्हा तू तो मेरे अकेले लाला, जो कुछ करती हो तेरे लिए, फिर इसे चोरी करने का क्या जरूरत है। कृष्ण ने कहा जीवन में पहला बार चोरी किया तो पकड़ा गया, लगता है जीवन भर में पकड़ा जाऊंगा जीवन भर। ऐसे ही कृष्ण घर घर में प्रभु मक्खन घर घर में चोरी कर रहे थे। कुछ गोपियां आ करके बोले मैया लगता है ये गोकुल छोड़ करके हमें और किसी गांव में जाना पड़ेगा। बोले क्यों, बोले तेरे लाला रोज रोज घर में मक्खन चोरी करता है। मैया ने कहा एक काम करियो, अंधकार को मेरे लाला बहुत डरता है, अंधकार में रख दिया करो, फिर मेरे लाला जाएगा नहीं। बोले हमने वो भी करके देखा। बोले फिर, बोले तू लाला का शरीर में जो हीरे जवाहरात का जो श्रृंगार करती हो, कृष्ण अंदर में घुसती अपने आप प्रकाश हो जाता है। बोले इसको उतार दो, बोले तेरे संगत हाथ मत लगाइयो। बोले क्यों, बोले तेरे लाला की जो नख है वो नख में इतने ज्योति है, इसलिए शास्त्र में बताया ये जो ब्रह्म ज्योति है क्या चीज। बोले भगवान के नख का जो प्रकाश, उनके नाखून में इतना प्रकाश है जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वो अंदर में प्रवेश करते ही अपने आप घर उजाला हो जाता है। मैया ने कहा एक काम करियो, मेरे लाला तो अभी 3 साल का बच्चा, ऊपर में तो हाथ नहीं जाएगा, छिके के ऊपर में ऊंचाई जगह पर रखा करो। बोले मैया सो भी करके देख लिया। बोले फिर घर में कोई सीढ़ी झीना बना कर रखे क्या। बोले बनाने का जरूरत नहीं, परमात्मा ने तेरे लाला को इतने दिमागदार बनाया, वो जो दाऊ भैया को तो नीचे बैठा देते मोटे सोटे, उसको ऊपर में फिर श्रीधाम, उसको ऊपर मधुमंगल, फिर खुद ऊपर चढ़ जाता है। अगर हाथ पहुंचा तो पहुंचा, नहीं तो क्या करते डंडे लेकर के ना मटकी को फोड़ देते हैं। हैं, मैया ने कहा एक काम करियो, नीचे मटकी रखना जिसमें माल मत रखा करो, ऊपर मटकी में भी माल मत रखा करो, बीच का मटकी में ही माल रखा करो, दूध दही। बोले मैया सो भी करके देख लिया। बोले फिर, बोले हाथ में डंडे ले जाते हैं और ऐसे ऐसे मारते हैं, और जिसमें माल होगा ना उसमें ठन ठन आवाज होगा, और जिसमें माल होगा आवाज होगा ही नहीं, बस उसको ही डंडे मार करके एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं दे, सब सटका जाते हैं सबके सब। हमने सब करके हमने देख लिया। मैया ने कहा एक काम करियो, मेरे लाला हैं, मेरे लाला जितना तुम्हारे घर में मक्खन चोरी करता है, मेरे घर से दोगुने मधुबन मो ए पठायो सुन मैया मोरी मैंने मन खायो सुन मैया मोरी मैंने मन खायो। हमें ठाकुर मिले कब, हमें ठाकुर मिले, ये जो गर्म मतलब हृदय में उत्कंठा, ठाकुर हमें कैसे मिले, अभी ठाकुर मिलेंगे कब, उसके बाद में गर्म हो गया, उसके बाद जमन डालते हो, ये जमन क्या है, ये जमन उसे कहते हैं, ये सदगुरु से जब भगवान की हम मंत्र ग्रहण करते, जमन थोड़ी होनी चाहिए, पर नहीं तो क्या होगा, दूध दही रहे तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगी। ये जमन मतलब होता है जब हम सदगुरु से भगवान की नाम को ग्रहण करते हैं, यही ये जमन है, हैं, क्योंकि जब तक हम किसी सदगुरु की चरण को आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं, भले ही जीवन में जो कुछ कर दो भगवान हमें मिलने वाले नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई जो बिरिंची शंकर सम होई। बिरिंच मतलब होता है ब्रह्मा, शंकर मतलब शिव, ब्रह्मा शंकर जैसे क्यों नहीं हो जाए। अगर जब तक सदगुरु चरण आश्रय नहीं करते हो भगवान मिलने वाले नहीं। इसलिए भगवान राम का गुरु कौन था, बोलो राम के गुरु कौन थे, वशिष्ठ जी थे।
भगवान को गुरु करने की कोई जरूरत है? कृष्ण का गुरु कौन थे? शांति बनी मुनि, उनको विद्या सिखा अध्ययन करते थे। लेकिन जब वो ब्रज में रहे, उन्होंने श्री हैं वहाँ पर उन्होंने सांडिल्य ऋषि से उन्होंने मंत्र ग्रहण किया है, इसलिए ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु का गुरु कौन थे? कहते श्री ईश्वरपुरी। महाप्रभु जब अपना गुरु जी को साथ में मिले, महाप्रभु कहते हैं आज गया ना मेरा जीवन धन्य हो गया। बोले क्यों? आज हम अपना गुरु जी से मिला है, इसलिए हे गुरुदेव आपका चरण में मैं शरणागत हो रहा हूँ कि भवसागर से मुझे पार कराओ। इसलिए भगवान स्वयं अपना गुरु जी से दीक्षा मंत्र को ग्रहण करते हैं। ये जमन मतलब होता है, उसमें सदगुरु से जो दीक्षा मंत्र लेते हैं ये जमन हो गया, अभी दही जम गई। दही जमने के बाद उसको फिर मंथन करना पड़ता है। कहते मंथन मतलब क्या? गुरु जी से मंत्र ले लिया, हरिनाम ले लिया, अगर हनुमान को अगर लटका कर रख दो क्या भगवान मिल जाएंगे फिर? नहीं, गुरु जी से हमने जो हरिनाम लिया, जो माला लिया है, अभी हमें संख्या पूर्वक नाम करना पड़ेगा, नित्य नियमित पूर्वक ही हरिनाम को हमें करना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे एक दिन अगर हमने हरिनाम गुरु जी से लेकर के माला नहीं किया तो दिन भर ये माला को भगवान को भूखे रख दिया तुमने। ये माला नहीं, ये कृष्ण स्वयं तुम्हारे पास में, हरि से बड़ा हरि का नाम है, ये ठाकुर स्वयं नाम रूप में तुम्हारे पास में आए। अगर एक दिन स्नान नहीं करे, कपड़ा नहीं बदला, अच्छा लगेगा हमें? कहते उसी तरह अगर हमने एक दिन अगर भगवान का नाम जप नहीं किया, मतलब है ठाकुर दिन भर ठाकुर जी भूखे रह गए घर में, ठाकुर जी स्नान नहीं किए। गुरु जी कहते थे माला को कभी भूखा नहीं रखनी चाहिए, रोज नियमित करके हरि नाम को नियमित। ये होता है क्या है? ये मंथन करना। जब मंथन करके उससे क्या निकलेगा? उसमें मक्खन निकलेगा। कि मक्खन क्या है? बोले भगवान का प्रेम। जब भगवान के नाम को जप करेंगे उससे भगवान की प्रेम निकलेगा। एक तरफ में प्रेम, एक तरफ में मक्खन, दूसरे तरफ में छाछ है, इसलिए ये मक्खन क्या? बोले मक्खन प्रेम। जब ये मक्खन निकलेगा फिर कृष्ण क्या होगा? फिर कृष्ण दौड़ दौड़ करके आएंगे और ठाकुर जी मक्खन को सेवा करेंगे ठाकुर जी है। इसलिए ये मक्खन ही ये प्रेम है। इसलिए गोपियों के हृदय में जो प्रेम कृष्ण का प्रति, कृष्ण वो प्रेम को आस्वादन करने के लिए आते थे, ठाकुर जी चोरी करने नहीं आते थे। दुनिया तो उन्हीं का, वो किस चीज की चोरी करेंगे? दुनिया के मालिक वो है। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की जय, जय श्री राधे। खड़े हो जाओ। हाँ, अभी एक दिन मैया सोच रही हैं ये गोपियां रोज रोज क्या मेरे पास में शिकायत करती है, तेरे लाला मक्खन मक्खन चोरी करता है। क्या सचमुच से मेरे लाला मक्खन चोरी करता है? हाँ, यही से होता होगा। मेरे घर का स्याद मक्खन खट्टा होता होगा और गोपियों का घर का स्याद से मक्खन मीठा होता होगा, इसलिए मेरे लाला घर में जो काम करने वाली दासी है ना, शायद इनको ठीक से ये मक्खन बनाना नहीं आता, इसलिए मैं स्वयं मक्खन स्वयं मैं बनाऊंगी हैं। इसलिए मैया कौन है? कहते मैया राज रानी। मैया कोई साधारण स्त्री नहीं, राड़ी रानी, जिनके घर में 9 लाख धेनु, कहीं कहीं आता है तो अजूत नंद बाबा तो 20 लाख धेनु अपना बेटा का जन्मतिथि में दान किया, ऐसे इतने बड़े। लेकिन यहाँ शिक्षा देते कहाँ यशोदा, कहाँ राजरानी, लेकिन कर रहे हैं क्या? स्वयं अपना हाथों से दधि मंथन करती है। शिक्षा क्या है? शिक्षा ये है ठाकुर को सेवा नौकरों से नहीं करानी चाहिए। हमारे पास में ज्यादा पैसा हो गया, मतलब एक मंदिर स्थापन कर दिया और एक नौकर को रख लिया, ये नौकर तू ले पूजा कर, पूजा सेवा कर। नहीं, नौकर से सेवा नहीं होता है, सेवा होता है भाव से, क्योंकि ठाकुर जी भाव की भूखे हैं, ठाकुर जी प्रेम के ठाकुर जी भूखे, भगवान पैसा की भूखे नहीं। इसलिए माँ यशोदा स्वयं राजा रानी होते हुए भी अपना हाथों से कृष्ण के लिए मक्खन बनाती। इसलिए हमारे बीच में हमारे श्री गौर सुंदर प्रभु जी ये आपको बताएंगे कृष्ण की दाम बंधन लीला, कैसे मैया यशोदा कैसे कन्या को उखल में बांधती है। श्री गौर सुंदर बोलो। अज्ञान्तमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम घुमा राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कणों कमलों में अनंत अनंत कोटि अनंत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर्शित श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर्शित श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए समस्त रूपानंद गुरुवर के चरणों में अनकोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित हरिकथा श्रवण करने के लिए आए भक्तवृंद समस्त के चरणों में मेरे यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हम गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं भगवान कृष्ण की अनेक बाल्य लीलाएं, और यद्यपि भगवान कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, फिर भी अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए उन्होंने मधुर मधुर लीलाएं करी। गुरुदेव अभी वर्णन कर रहे थे किस प्रकार उनकी ब्रज में किस क्या ख्याति है, वो है ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। वो गोपियों के घर घर में जा जाकर और मक्खन चोरी करते थे, और मक्खन के ही नहीं, वो क्या कहते हैं कि अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, उनके हृदय को ही चोरी कर लिया भगवान ने, और जो उनके अनेक अनेक भक्त हैं, भक्तों के अनेक जन्मों के जो पाप हैं, अर्जित पाप हैं, उनको भी चोरी कर ले रहे हैं। अभी जगह जगह पर जब भगवान कृष्ण की इस प्रकार हो गया कि वो माखन चोर हैं, मैया यशोदा सोच रही हैं कि लगता है मेरे घर में माखन खट्टा बनता है, अच्छा नहीं बनता, ये दासियां जो है अच्छा नहीं बनाती। इसी वजह से उन्होंने एक दिन सभी दासियों को छुट्टी दे दी, उस दिन दीपावली का दिन था, और मैया ने सोचा मैं खुद दधि मंथन करूंगी, खुद मैं मक्खन निकालूंगी। मैया ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और दूध निकाला, उसके बाद में दही बनाने के बाद में मैया ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि दही बनाने के लिए समय होता है, अगर सूर्योदय हो जाएगा तो उसके बाद में मक्खन ठीक नहीं बनता, तो ये सब विचार करके मैया ने सुबह सुबह अभी काना सो रहा है, और मैया ने वहां पर बड़ी एक मटके के अंदर दही को लेके और मंथन करना चालू किया। मंथन किस प्रकार किया, बीच में एक राई लगा के रस्सी से बांधते हुए और मैया मंथन कर रही है, और मंथन करते करते मैया भगवान कृष्ण के जो बाल चरित्र है उनका कीर्तन कर रही है। क्या कीर्तन कर रही है, गोविंद दामोदर माधव वर्णन करते हैं। मैया पूरे अंतर हृदय से भगवान कृष्ण की लीलाओं में का चिंतन करते हुए पूरे आविष्ट होकर और भगवान को पुकार रही है, उनका कीर्तन कर रही है। उनके हाथों में जो उन्होंने चूड़ियां पहन रखी है, उन चूड़ियों से छन छन शब्द हो रहा है, मानो कीर्तन मुख से गा रही हो और चूड़ियों के माध्यम से मजीरा बजा रही हो। जब दही को मंथन कर रही है, दही मंथन करते वक्त वहां रई से भी शब्द हो रहा है, ये रई जो है मानो एक मृदंग का काम कर रही हो, जैसे मृदंग से आवाज आती है ना, धिक्तान धिक्तान धिक्तान, उसी प्रकार रई से भी आवाज आ रही है। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं कि धिक्तान धिक्तान किस लिए कह रहे हैं मृदंग, कि जिन व्यक्तियों ने जिसने मानव शरीर लाभ करके भी अगर भगवान का भजन नहीं किया, उसके जीवन को धिक्कार है धिक्कार है। इस प्रकार पूरे आविष्ट होकर मैया कीर्तन कर रही है, गोविंद दामोदर माधव करते करते मैया का बड़ा सुंदर रूप, थोड़ा थोड़ा पसीना बहने लगा है, उनके कमर बड़ी पतली है। इस प्रकार के टीकाकार ने बड़ा सुंदर मैया यशोदा के रूप का भी वर्णन किया है। अभी कृष्ण का कीर्तन करते करते भगवान कृष्ण जहाँ पर कीर्तन होता है वहां पर उपस्थित होते ही हैं। नाम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय में च मद भक्ता जत्र गायंती। मैया जहाँ कीर्तन कर रही है, जहाँ उनके कीर्तन हो रहा है, वहीं पर भगवान निश्चित रूप में पहुंच ही जाएंगे। अभी भगवान कृष्ण की यहाँ नींद टूट गई, नींद टूट गई तो वो क्या कर रहे हैं, रोने लगे, रोने लगे किस लिए, कि खुद से अभी पलंग से उतर के और जा भी नहीं सकते मैया के पास में, पलंग थोड़ा ऊंचा है, तो इसी वजह से रोने लगे। रोते 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 भगवान थक गए, लेकिन फिर भी मैया वहां कीर्तन में उन्मत्त होते हुए उनको भगवान का रुदन भी सुनाई नहीं दिया, कृष्ण का रुदन भी सुनाई नहीं दिया। अभी
सोच रहे हैं कृष्ण की और कितना रोम, तो उन्होंने खुद से ही चेष्टा करते करते क्या करा, जो चादर बिछी हुई थी उसको सहारा लेते हुए पकड़ते हुए बड़े कष्ट से नीचे उतरे और धीरे 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 चलते चलते जहां माँ मंथन कर रही थी उस स्थान पर आ गए। उस स्थान पर आने के बाद में माइयां तो अभी भी आविष्ट होकर यहाँ पर मंथन कर रही है, उन्होंने क्या किया जाकर मैया से कहा कि मैया तू मुझे दूध पिला दे। मैया सोच रही है कि ये अभी उठ गया है, अभी थोड़ी देर में सूर्योदय भी हो जाएगा और मक्खन ठीक नहीं हो पाएगा, इसलिए मैया और तीव्र गति से मंथन करने लगी। अभी कृष्ण तो क्षुधा के मारे बेचैन हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया सीधा जाके और राई को पकड़ लिया और मैया देख के तो बड़े आश्चर्यचकित हो गई, बोले जदि मटको पकड़ दो तो मेरा मंथन ना रुक दो, यदि रस्सी पकड़ दो तो घर्षण लग दो, और यदि मोको पकड़ दो तो कल रोक ही ले दो। हाँ मैया यशोदा को पकड़ता तो क्या रोक ही ले दो, लेकिन बड़ा बच्चा कितना बुद्धिमान है, कृष्ण की बुद्धिमत्ता को देखकर मैया को बड़ा ही प्रेम उमड़ आया और मैया ने वहां पर कृष्ण को लेकर अपनी गोद में ले लिया और स्तन पान कराने लगी। यहाँ पर टीकाकार वर्णन करते हैं कि माओ के हृदय में माँ के स्तन से जो दूध आता है बड़ी वात्सल्य के कारण, तो मैया यशोदा का वात्सल्य कैसा है, मैया यशोदा का वात्सल्य है अनंत, मैया यशोदा का वात्सल्य की कोई तुलना नहीं है। और भगवान कृष्ण कौन है, जिनके पेट में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड व्याप्त हैं, तो उनका पेट भी कभी भरने वाला नहीं है। तो मान लो यहाँ पर होड़ा होड़ी चल रही हो, और क्योंकि मैया के स्तन से दूध भी कभी कम नहीं होगा और भगवान कृष्ण का पेट भी कभी नहीं भरेगा। ये देखते देखते मैया ने जो चूल्हे पर दूध चढ़ाया था वो दूध उफनने लग गया, दूध उफनते उफनते और वो बाहर निकलने वाला है। ब्रज में हर चीज चिन्मय है, ब्रज में दूध भी चिन्मय है, मानो दूध यहाँ पर कह रहा हो कि मैया तुम्हारे स्तन से तो दूध का भी खत्म नहीं होगा और भगवान का पेट भी नहीं भरेगा, तो मैं तो कृष्ण की सेवा में लग ही नहीं पाऊंगा। जो व्यक्ति कृष्ण सेवा में नहीं लग पाए तो उसको प्राण धारण करने की क्या आवश्यकता है, इसलिए ये दूध उफन उफन के और आग में अपने प्राण विसर्जित करने को जा रहा है। किंतु यहाँ मैया यशोदा सोच रही है कि मेरा दूध जो है वो तो कृष्ण सेवा के लिए है ही, लेकिन अगर चूल्हे पर जो दूध रखा है अगर वो उफन के गिर गया तो संदेश किससे बनेगा, मिठाई किससे बनेगी, मक्खन और तो बन नहीं पाएगा। इसलिए यशोदा मैया ने दूध को रक्षा करने के लिए क्या कहा, लाला तू थोड़ा उतर जा, मैं दूध तार के आ रही हूं और फिर तुम्हें दुग्धपान कराऊंगी। यहाँ पर कृष्ण की पेट भरा नहीं था, बोले नहीं आधा पेट भरा नहीं और तुम हमें छोड़ के जा रही हो, भगवान कृष्ण ने बारण किया मना किया। तो मैया ने क्या किया, मैया ने बलात् कृष्ण को अपनी गोद से उठा के एक तरफ बिठा दिया और चली गई दूध की रक्षा करने के लिए। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि इस प्रकार पूतना जब आई कितनी 10,000 हाथियों की ताकत थी उसके अंदर, तो भी वो 6 दिन के बालक को अपने स्तन से दूर नहीं कर पाई, और यहाँ पर मैया यशोदा वही कृष्ण हैं, उनको एक हाथ से दूर हटाकर और दूध की रक्षा करने के लिए चली गई। दूध के ऊपर पानी का छींटा मारा, दूध को उतार के और मैया ने वहां रख दिया। यहाँ पर कृष्ण का पेट भरा नहीं था, कृष्ण बड़े ही रुष्ट हो गए, बड़े ही क्रोधित हो गए। अभी सोच रहे हैं तुम इस दूध की रक्षा करने के लिए जा रही हो मुझे भूखा छोड़ के, तो क्रोधित होकर कृष्ण ने क्या किया, वहीं पर एक पत्थर रखा था, पत्थर से वो जो मटकी थी दही मंदन की उसको नीचे से फोड़ दिया और वहां से पूरा दही बहने लग गया, और वहां से अब सोचा मैया आकर डांटेगी तो वहां से भाग गए। मैया जब वापस आकर देखी बड़ी ही क्रोधित हो गई, बोले मेरे सांस के समय की मटकी और इस दुष्ट ने, अभी तो घर घर में जाकर चोरी करता था, अब आकर ये मटकी भी फोड़ दी, बड़ी ही दुष्ट बड़ी ही रुष्ट होकर मैया ने आज तो इस पे मैं बहुत शासन करूंगी। ऐसा सोचते हुए चोर जब भी कहीं जाता है ना अपने चिन्ह छोड़ जाता है, भगवान कृष्ण ने क्या किया, जब चल के जा रहे थे दही के पैर से छाप पड़े हुए थे वहां पर, तो मैया उसको फॉलो करती करती कहां गई, भगवान कृष्ण एक अलग कमरे में चले गए और वहां पर ओखल पर चढ़ के और बंदरों को और कौओं को मक्खन खिला रहे हैं। पीछे पीछे दबे पांव से मैया गई, अभी मक्खन खा रहे थे बंदर और कौए, थोड़ी देर में सब इधर उधर भागने लगे तो कृष्ण सोच रहे हैं ये क्या हो गया, अभी तक तो आराम से खा रहे थे अभी एकदम से भागने क्यों लग गए। पीछे पलट के देखा तो मैया के हाथ में छड़ी और मैया पकड़ने को दौड़ रही है, भगवान कृष्ण तो छलांग लगाए ओखल के ऊपर से और सीधा घर के बाहर चले गए। आज दिवाली का दिन था, कृष्ण के मन में था कि मैं बाहर यदि चला जाऊंगा तो मैया तो लज्जा के मारे आएगी नहीं बाहर, क्योंकि सब पुरुष लोग बैठे होंगे, किंतु आज दिवाली का दिन था, कल इंद्र पूजा होगी, ऐसा सोच के सारे गोप लोग भी का आनंद खिड़क पे जाके और वहां पर मंत्रणा कर रहे थे कैसे क्या होगा, तो कोई पुरुष भी बाहर था नहीं। मैया यशोदा पीछे पीछे भागती भागती सोच रही कि आज तो काना तुझे मैं दंड दूंगी, आज तो उस पे मैं प्रचुर शासन करूंगी,
ऐसा सोचते सोचते पीछे भागने लगी। यहां पर टीकाकार बोलते हैं कि भागते 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 जो विश्व अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक कृष्ण हैं, उनको मैया कृष्ण मैया यशोदा ने उनको पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? क्योंकि एक भक्त की जो भक्ति के भगवान के प्रति भक्ति है वो ज्यादा होती है। मैया यशोदा का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो बहुत ज्यादा है, उनकी भक्ति खिचड़ी खिचड़ी, किसी भक्त की भक्ति भगवान के प्रति ज्यादा होगी तभी वो उनको पकड़ पाएगा। तो मैया यशोदा वो तो एकमात्र कृष्ण के प्रति धावित हो रहे हैं, और यहाँ धावित होते होते मैया यशोदा के जो सिर में फूल सजे हुए थे, पुष्प सजे हुए थे जुड़े में, वो पुष्प गिरते जा रहे हैं जमीन पर। पुष्प गिरते गिरते बोल रहे हैं, मानो मैया इस पर हम क्यों ब्रज धूल का आश्रय ले रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े ब्रह्मा उद्धव शिव जी भी इस ब्रज धूल का आश्रय लेते हैं जहां पर कृष्ण ने अपने चरण रखे हैं। तो हम भी हमारा भी जीवन सार्थक कैसे होगा, हम इस ब्रज धूल में यदि मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये पुष्प गिरते गिरते अंततः मैया बोलने लगी, देख लाला रुक जा, नहीं तो लाठिया में जोर से फेंक कर मारूंगी तुम्हें। अभी कृष्ण भयभीत हो गए, भयभीत होकर वहीं पर रुक गए, तो वहां पर मैया ने जाकर पकड़ लिया। अभी मैया सोच रही है कि इसको दंड निश्चित रूप में देना ही पड़ेगा, और ये खुद भी क्रोधित है। तो उन्होंने क्या किया, अपने चोटी से एक रिबन निकाला, एक रस्सी निकाल के और कृष्ण को बांधने की चेष्टा करी। बोले दो उखल है, एक तो ये उखल और एक तूखल, तो इन दोनों को मैया ने एक साथ बांधने की कोशिश करी। अभी जैसे ही बांधने जा रही है तो रस्सी बांधते वक्त वहां पर दो उंगल छोटी पड़ गई। फिर मैया ने सोचा एक रस्सी और साथ में जॉइन करके फिर बांधती हूँ, फिर बांधने की कोशिश करी, फिर छोटी पड़ गई। ब्रज की जितनी सारी रस्सियां थी सब लाकर एकत्रित कर दी, लेकिन जब भी बांधने की चेष्टा करे हमेशा दो उंगल छोटी रह जा रही है। कृष्ण की वही कमर है, ओखल की भी वही साइज है, लेकिन फिर भी वे रस्सियां छोटी पड़ जा रही है। सुबह से शाम हो गई, वहां पर और जो ब्रज गोपियां थी वो देखकर मैया यशोदा को कह रही है कि मैया लगता है तेरे लाला के कपाल में बंधन नहीं है। तो मैया यहाँ सोचने लगी, उनको कहने लगी कि ये मेरी कोख से जाया हुआ है, इसे तो मैं निश्चित रूप में बांध के ही रहूंगी। और ऐसा सोचते सोचते उन्होंने क्या किया, नारायण शिला से प्रार्थना करी। जब मनी मन प्रार्थना करी कि हे भगवान मेरी कितनी यहाँ उपहास होगा कि मैं अपने बेटे को भी बांध नहीं पा रही, तो ऐसे जब प्रार्थना करी शरणागत हुई उस समय पर माता परिश्रम दृष्टवा कृपया आसी तव बंधने, भगवान ने माता परिश्रम देखते हुए बंधन स्वीकार किया और मैया यशोदा फिर छोटी सी रस्सी से ही कृष्ण को बांध दिया। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि हर बार जब माँ चेष्टा कर रही थी तो ये दो उंगल क्यों कम पड़ जा रही थी, या दो उंगल का तात्पर्य बताते हुए कहते हैं कि पहली उंगली क्या है, पहली उंगली जो एक साधक की चेष्टा, अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए एक साधक की जो चेष्टा है उसको वो है ये पहली उंगल, और दूसरी उंगल क्या है, भगवान की कृपा। यहाँ दो उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। देखो एक बंदर होता है, बंदर अपने बंदर का जो बच्चा होता है वो उसका दायित्व होता है अपनी माँ को सब समय पकड़े रखे। एक बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जब छलांग लगाएगा, ये बंदर के बच्चे का दायित्व होता है कि अपनी माँ को पकड़े रखे, यदि वो गिर जाएगा तो माँ उसे दोबारा उठाती नहीं। और एक उदाहरण दिया बिल्ली का, एक बिल्ली के बच्चे को आप देखोगे, माँ बिल्ली के बच्चे को अपने मुख में लेके और एक जगह से दूसरी जगह जाती है। माँ का दायित्व होता है अपने बच्चे को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का। तो विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर यहाँ पर कहते हैं कि इन दोनों को जोड़ लो, एक साधक की कैसी चेष्टा होनी चाहिए कि ऐसा नहीं होगा कि हम अपने प्रयास से, जैसे दो उंगल का फर्क बताया ना, तो पहली उंगल क्या है, हमारी चेष्टा हमारा साधन, तो भगवान हमें तो अपना साधन करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ भगवत कृपा भी होगी तभी जाकर हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। यदि कोई ये सोचकर बैठ जाए कि नहीं नहीं भगवान की कृपा, उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो जब वो कराएंगे तभी करेंगे, नहीं। और यदि कोई सोचे कि हम तो अपने साधन से ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों को मिलाना होगा, अर्थात भगवत कृपा की भी आवश्यकता है और निज साधन को भी बलवान करना पड़ेगा। तो इन दोनों को जब हम मिला लेंगे तब जाकर भगवान हमारे हृदय में बंध जाएंगे। जब माँ ने भगवान कृष्ण को इसी प्रकार बांध दिया, अभी सखा लोग वहां आ गए, सखा लोग आकर और उस बंधन को खोलने की चेष्टा करी, किंतु टीकाकार यहाँ पर कहते हैं वो खोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि सख्य रस जो है, वात्सल्य रस सख्य रस से ऊंचा है, इसी वजह से माता के द्वारा बांधा हुआ बंधन सखा लोग नहीं खोल पाए। अभी कृष्ण सोच रहे हैं कि बंधे बंधे यहाँ पर खेलेंगे, तो खेलते खेलते उन्होंने क्या किया, उनकी नजर पड़ी सामने जो दो वृक्ष थे, यमलार्जुन वृक्ष थे, उनके ऊपर नजर पड़ी।
भगवान कृष्ण को स्मरण हो गया किस प्रकार ये दो लोग कौन है, ये कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव हैं। उन्हें स्मरण हो गया किस प्रकार नारद जी के द्वारा ये अभिशापित हैं, स्वर्ग की अप्सरियों को लेकर विवस्त्र होकर स्नान कर रहे थे, उसी रास्ते से नारद जी निकल रहे थे, तभी सारी अप्सरियों ने तो उठ के और एक तरफ हो गई, लेकिन ये दोनों विवस्त्र होकर नारद जी को गाली गलौज करने लगे कि बाबा तुम्हें कोई काम नहीं और कोई रास्ता भी नहीं मिला, इसी रास्ते से मिला था, हमारे रंग में भंग दे दिया तुमने। अभी नारद जी सोचने लगे कि कहां ये स्वर्ग के देवताओं के पुत्र होकर और इतने निर्लज्ज हो रहे हैं। नारद जी ने इनको श्राप दे दिया कि तुम जाकर वृक्ष की तरह एकदम विवस्त्र हो, वृक्ष ही हो जाओ। बाद में जब वो नीचे से एकदम वृक्ष होना चालू हुए, उन्होंने क्षमा याचना करी तो इन्हें गोकुल में जन्म दिया और आशीर्वाद दिया कि भगवान से ही तुम्हारा उद्धार होगा। जब भगवान की नजर इन दोनों वृक्ष पर पड़ी, ओखल से घुटने घुटने चलते 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 भगवान कृष्ण उस ओखल को इन दोनों वृक्ष के बीच में ले आए और थोड़ा सा ही बल लगाया और ये दोनों वृक्ष नीचे आकर गिर पड़े। बड़ा जोर से शब्द हुआ, जोर से शब्द होते ही उन दोनों वृक्ष में से दोनों कुमार बाहर आए और दिव्य स्वरूप से प्रकट हो गए। भगवान ने उनको नित्य गति दी, मधुकंठ और स्निग्धकंठ की। बाद में ये शब्द सुन के और वहां पर नंद बाबा आ गए, नंद बाबा आकर और सारी गोपियां भी आ गई। नंद बाबा ने आकर और उनका बंधन खोल दिया और पूछा, बोले काना तुझे किसने बांधा, बोले मैया ने। और जब यहाँ पर मैया यशोदा आई देखकर तो बड़ी ही आश्चर्यचकित हो गई, बड़ी भयभीत हो गई, बोले ये क्या हो गया। नंद बाबा वहां पर मैया पर प्रचुर शासन करते हुए कहते हैं, बोले तुम्हारी आसक्ति इस मटकी में है, तुम्हारी आसक्ति इस दही दूध में ज्यादा है ना, बोले सांस की समय की मटकी इतना क्या विचार करना है, लाला बड़ी कष्ट से तो हमें बूढ़ी उम्र में एक लाला हुआ और उसको भी तुमने यहाँ पर बांध दिया, अभी थोड़ा ही इधर उधर होता तो यदि पेड़ बाल लाला के ऊपर गिर जाता तो प्राण निकल जाते। ऐसा सोच के और दोनों नाराज होकर नंद क्या किया, मैं दोनों बालक को लेकर मैं जा रहा हूँ, तो बलदेव प्रभु और कृष्ण को लेकर नंद बाबा चले गए और वहां पर घी में दूध के अंदर मिश्री मिलाकर उनको पिला दिया। अभी निश्चिंत होकर और शाम में जब घर पर आए, मैया तो एक कोने में बैठ के और रो रही है, मैया अब रो रही है। अब यहाँ पर दोनों ही नाराज हैं, नंद बाबा और यशोदा मैया, और सोच रहे हैं अब यहाँ पर बीच में कौन है, रोहिणी मैया वहां उपस्थित थी, बोले किसी प्रकार यदि मैं कृष्ण को नंद बाबा की गोदी से यशोदा की गोदी में दे दूं तो फिर इन दोनों का नाराजपन दूर हो जाएगा। तो ये सोचते हुए बलदेव प्रभु ने पहले कहा, बोले लाला, बोले कृष्ण तुम माँ की गोदी में नहीं जाओगे, बोले नहीं, बोले माँ मुझ पर शासन करती है, माँ मुझे डांटती है, माँ ने ही मुझे बांधा था, बोले कहा। फिर उसके बाद रोहिणी मैया आई, बोले चल लाला यशोदा की गोदी में चल, बोले नहीं मैं माँ के पास में नहीं जाऊंगा, बोले प्रसाद खाना कहाँ खाओगे, बोले बाबा के साथ में, बोले खेलोगे कहाँ, बोले दाऊ भैया के साथ में, बोले सोओगे कहाँ, बोले बाबा की गोदी में। तो यदि माँ फिर मर गई तो ऐसा सुनते मात्र से ही तो कृष्ण दौड़े 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 गए और मैया को आलिंगन कर लिया, उनकी गोद में चले गए और वहां पर यशोदा के आशीर्वाद होते हुए उन्होंने खूब वात्सल्य प्रेम में कृष्ण को आलिंगन किया। तो इस प्रकार यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि एक दाम मंदिर, यद्यपि भगवान की इन मधुर मधुर लीलाओं करने का उद्देश्य क्या होता है, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, किंतु टीकाकार यहाँ पर विशेष टीका दे देकर हमें इससे जो शिक्षा मूलक चीजें हैं वो ग्रहण करने के लिए कहते हैं। बोलो श्री दाम वंदन लीला की, यशोदा दामोदर की जय, जय श्री राधे, हरे कृष्ण। अब लोग ताली नहीं हो जाएगी, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब भगवान कृष्ण दाम बंधन लीला की, अभी सारे ब्रजवासी बैठ कर मीटिंग की, बोले लगता है ये गोकुल में हमको नहीं रहनी चाहिए, क्यों, पहले तो ये दैत्य लोग कान्हा को पीछे पड़ गए थे, ये पेड़ अपनी अब गिर करके लाला के ऊपर गिरने लग गए, मतलब ये पेड़ भी लाला के ऊपर में सबके सब शत्रु बन गए, लगता है ये गोकुल छोड़कर और कहीं चलते हैं। उसमें जो वृद्ध गोप उपानंद था, बोले देखो ये जमुना का उस पार में एक सुंदर गांव है जिसका नाम श्री वृंदावन धाम, बोले से वृंदावन धाम की, मन चले वृंदावन सुधा लेना, इसलिए बोले चलो हम सब कैसे वृंदावन चले जाते हैं, बड़ा सुंदर बच्चों खेले के लिए सुंदर मैदान, पेड़ पौधा लता पता से भरा हुआ, जमुना बह रही है, जहां पर सुंदर श्री गिरिराज गोवर्धन, बोले श्री गिरिराज महाराज की, अरे जोर से बोलो,
बोले गिरिराज गोवर्धन की। आज गोवर्धनी पूजा है, बोला बड़ा सुंदर गिरिराज गोवर्धन, गैया को खाने के लिए बड़े सुंदर हरी हरी घास। बोले कल क्यों, आज ही चलो, तैयारी हो जाओ, ढिंडरा पिटवा दो गोकुल में, हम सब के सब श्री वृंदावन धाम चलेंगे। और जितने बड़े बूढ़ी थे सबको बैठा दिया बैलगाड़ी में, और जितने जवान लोग थे धनुष लेकर के सब के सब गैया को लेकर के जब चल रहे थे, एक गाड़ी में कृष्ण और मैया जसोदा रोहिणी और दाऊ भैया बैठे हुए थे, एक बैलगाड़ी में चल रहे थे। अब देखना बच्चों का स्वभाव है, जो चीज देखना पूछे। जब थोड़ी दूर गए कृष्ण ने कहा, मैया मैया ये कौन सा पेड़ है जिसमें सारे पत्ते हिल रहे हैं। बोले लाला ये पीपल पेड़ है। बोले मैया मैया यहाँ पर देख ये दाढ़ी पेड़ में से बड़े बड़े दाढ़ी क्यों, ये कौन सा पेड़। बोले ये बरगद पेड़ है। बोले मैया मैया देख कितना सुंदर एक चिड़िया कुहू 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 कितने सुंदर बोली से बोल रहा है। बोले मैया ये कौन सा चिड़िया है। बोले लाला ये कोयल है। बोले मैया 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 देख 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 कितना सुंदर। बोले क्या है। बोले देखो कितने एक चिड़िया में कितने चित्र विचित्र है, ये कौन सा चिड़िया है इतने सुंदर कारीगरी। बोले लाला इसका नाम मोर है। बोले मैया एक का तो पूछ और एक का पूछ नहीं, ये क्या है। बोले जो एक पूछ है ना ये पुरुष है, और जो बिना पूछ के ये स्त्री। बोले मैया एक दूसरों को क्या लगे। बोले जो बिना पूछ वाली ये पूछ वाली की बहू लगती है। और थोड़ी दूर गए। बोले मैया मैया देख कितना सुंदर जानवर, कितने सुंदर चित्रकारी। बोले मैया ये जानवर का नाम क्या है। बोले लाला इसका नाम हिरण है। बोले मैया एक का तो सींग एक का सींग नहीं, ये क्या है। बोले जो सींग वाले है ना ये पुरुष है। अब बोले बिना सींग, बोले इसका इसकी बहू। बोले मैया ये सबका बहू, मेरी बहू कहाँ है, इसलिए मेरे ताए भी एक बहू ले आए। कृष्ण इतने मचल गए। बोले कोई चिंता मत कर, चल ब्रज में, चल वृंदावन में, तेरे लिए भी एक बहू ला दूंगी। बोले नहीं मेरे को अभी बहू चाहिए, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं। किसी पुराण में बताए कृष्ण इतने मचले गए, बगैर बहू जो सबका बहू मेरी भी बहू होनी चाहिए। इतने में बोले तेरी बहू होनी चाहिए। बोले हाँ। इतने में जितने बड़ी बड़ी गोपियां थे ना घूंघट उतार कर बैठी थी। बोले छाट ले जिसको चाहिए उसको बहू बना दे। कृष्ण ने जाकर के बूढ़ी माता को बोली मेरी बहू, हाँ तुम्हारी ये बहू, अभी चलो वृंदावन में। अभी भगवान कृष्ण वृंदावन धाम में आए। जो वृंदावन में धाम में आए बोले उत्तमा प्रीति, बोले जयते जयते वृंदारण्य मेतत मुरारे, प्रियतम मति साधु स्वांत वैकुंठ वासात, रमयति स सदा गापालयन जत्र गोपी, स्वरित मधुर वीणा वर्धयन प्रेम रासे। दिव्य श्री वृंदावन धाम है ठाकुर जी की, जहाँ पर चिंतामणि भूमि वृक्ष कल्प वृक्ष, जहाँ पर ठाकुर जी दिव्य रास ब्रज गोपियों के साथ में रचाए, भगवान का चरण स्पर्श पा करके वृंदावन का जो घास नहीं मानो उनको रोंगट खड़े हो जाते हैं, झरना नहीं मानो भगवान का चरण स्पर्श पा करके वृंदावन का आंखों से आंसू बह रही हैं। दिव्य वृंदावन धाम को दर्शन करते हुए ठाकुर जी इतने प्रसन्न क्यों खुश हुए। बोले जो वृंदावन धाम और कोई नहीं, ये श्री किशोरी राधा रानी की, ये अपना हृदय उन्होंने बिछा करके वृंदावन रूप धारण की। ठाकुर जी गोविंद देव मेरे हृदय में विहार करे, ये वृंदावन धाम है। इसलिए प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे। मन चल रे वृंदावन धाम, अनिरुद्ध राजा, मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, मैनो चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में भाग्य बिहारी, भाग्य बिहारी के लीलाए न्यारी,
बांके बिहारी गली लाए न्यारी मैं तो आरती करूं सुबह शाम श्री राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे वृंदावन में राधा बल्लभ राधा बल्लभ दर्शन दुर्लभ राधा बल्लभ दर्शन दुर्लभ मैं तो दर्शन करूं आठो जा श्री राधे राधे गाए मैं न चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे वृंदावन में राधा रानी मुक्ति भर रहे जा पर पारी जिनके चरणों में लौटत श्याम श्री राधे राधे गाएंगे मैं चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे कुंज गलिन में कुंज बिहारी कुंज बिहारी संग श्यामा प्यारी कुंज बिहारी संग श्यामा प्यारी कोई मिल जाए श्यामा चा श्री राधे राधे गाएंगे मैं चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे सेवा कुंज की सेवा कर ले प्रिया प्रीतम को हृदय में धर ले प्रिया प्रीतम को हृदय में धर ले कर सुबह श्याम श्री राधे राधे गाएंगे चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में जमुना किनारा निर्मल शीतल बहती है धारा निर्मल शीतल बहती है धारा सोता लगाए तो बचा श्री राधे राधे गाएंगे मैं चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे राधे
राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे। मैं चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, वृंदावन बिहारी लाल की निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल। जब कृष्ण वृंदावन में आए एक दिन कृष्ण मचल गए, बोले पिताजी हम गैया चराएंगे, आप तो अभी वृद्ध हो गए हो, आप अभी घर में बैठ करके भजन करो, हम कृष्ण बलराम दोनों भैया बड़े हो चुके हैं, हम गैया चराना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा किसी पिता को बोले आप वृद्ध हो गए घर में भजन पूजा पाठ करो, हम बच्चे घर को संभालते हैं, आप बताओ पिता माता कितना खुश हो गए। बोला नंद बाबा इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। बोले देखो मेरे लाला कितने अच्छे लाला है, हैं कितना अच्छा लाला है। इतने में नंद बाबा बोले बेटा हमारे घर में नौकर चाकरों का कोई कमी नहीं, अभी तुमको ये गैया भैया चराने का जरूरत नहीं। बोले नहीं पिताजी हम तो गैया चरवाएंगे, इतने पीछे पड़ गए। बोले ठीक है अभी सांडिल्य ऋषि को बुला करके हम पूछते हैं, कोई बढ़िया दिन हो गैया चराने का जरूरत नहीं, पहले बछड़ों को ले जाओ और आसपास में खेल धूल करके बच्चों के साथ में वापस आ जाना। फिर उनने समय निकाले कार्तिक महीना में जो गोपाष्टमी का दिन बहुत बढ़िया दिन है, उसी दिन मैया कह रहे बोले लाला अगर तू बछड़े चराने के लिए जाओगे तेरे बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ, मैं तेरे विरह में कैसे प्राण धारण करूंगा। कृष्ण कहते बोले क्यों मैया, मैं जब सखाओं के साथ में खेलने जाता हूँ फिर प्राण कैसे धारण करती हो। बोले जब बच्चों के साथ वो खेलता है ना, जैसे बच्चे किलकारी मारते हैं जोर जोर से, बोले घर में बैठ बैठ करके तेरे गले की आवाज़ सुनता हूँ मेरे को चैन बैठता है। बोले मैया कोई चिंता मत करो, मैं भले ही जितने दूर जाऊँगा वहीं से इतने जोर से मैं किलकारी मारूंगा तुम घर में बैठे बैठे सुन पाओगे। इसलिए नंदगांव में एक स्थान है उसका नाम टेर कदम्ब, जिस वृक्ष के ऊपर में कृष्ण चढ़ करके टेर लगाया करते थे, आवाज लगाते थे, मैया घर में बैठी बैठी करके आवाज को सुनती थी। एक दिन उन्होंने बकासुर को उन्होंने वध किया, वो बगुला रूप धारण करके आ गया था। एक दिन कृष्ण जब गया चराते हुए सखाओं के साथ में गए, देखा अघासुर आ गया, इतना बड़ा मुंह फाड़ करके बैठा हुआ था, मानव पाताल और आकाश में उसका मुंह लग रहा है। सखा लोग तो देख कर के भागने लग गए, लगता है कोई सांप मुंह फाड़ कर बैठा हुआ। बड़े बड़े सखा होने वाले तो पागल हो गया, कभी सांप का मुंह इतना बड़ा होता है, लगता है विश्वकर्मा ने कोई चित्रकारी बनाया। बोले अगर सांप हो तो बोले चिंता क्यों कर, तो साथ में काना है ना, जैसे उन्होंने बकासुर को मारा अघासुर को मार देगा। इतने में कृष्ण सखाओं को साथ में जब चल रहे थे, पहले पहले सखा लोग जा रहे थे, इतने में आकाश में देवता लोग देख रहे थे, बोले हे भगवान ये तो अघासुर मुंह फाड़ करके बैठा हुआ। इतने में कुछ सखाओं ने कहा बोले भैया लगता है जैसे गलीचा किसी ने बिछा करके रखा, क्योंकि सांप का जीवा कितना गुदगुदी होता है। बोले यहाँ पर ये गलीचा किसी ने बिछा कर रखा, बोले लगता है बोले सांप का दो जीवा है, बोले इसमें ये दो रोड क्यों बना हुआ। एक सखा ने कहा तेरे को पता नहीं, एक तो अंदर में जाने का और एक अंदर से आने का। बोले ये इतने बड़े बड़े दांत, बोले ये सब खंभे किसी ने गाड़ करके रखा, बोले लगता है संत लोग भजन करते होंगे इसमें अपना बिस्तरा को शायद लटका कर रखते होंगे। वो तो श्वास को बंद करके बैठा हुआ था, पता नहीं चले सर्प, जब उसने श्वास छोड़ा ना गर्मी गर्मी हवा आने लग गई। बोले भैया ये गर्मी गर्मी हवा क्यों आ रहा है, बोले लगता है कि संत लोग
प्राणायाम करते हैं ना, ध्यान धारणा प्राणायाम करते हैं, श्वास रोक कर रखा था, शायद श्वास छोड़ रहे, ऐसे सखालों को बोलते बोलते अंदर में जा रहे हैं। कृष्ण पीछे थे, वो समझ गए ये अघासुर बैठा हुआ। कृष्ण ने जोर से बोले, बोले सखाओ मत जाओ, वो अघासुर बैठा हुआ मुंह फाड़ करके, लेकिन सखा लोग तो ऑलरेडी जा चुके हैं। कृष्ण ने देखा एक साथ में हमें दो काम करना पड़ेगा, एक तो सखा लोगों को बचाना और दूसरा काम इसको मारना। अभी एक साथ में दो काम कैसे करूं? और वो देख रहा था कृष्ण आ जाए बस मुंह बंद कर दूंगा। इतने में सारे देवता लोग आकाश मार्ग में देख रहे थे। जब कृष्ण अंदर में गए, इतने में देवता लोग तो डर गए, बोले हे भगवान अभी क्या होगा। और जितना कंस का चर थे ना वो गए, बोले महाराज आपका काम बन गया। बोले क्या हो गया? बोले हमने आंखों से देख करके आया सखाओं को साथ में कृष्ण अघासुर के मुंह में चले गए, वो तो खत्म हो गए। लेकिन कृष्ण जब अंदर में गए, अपना मुंह को अपना शरीर को इतने विशाल रूप धारण किया, उसको गले में जाकर ठाकुर अटक गए। जब अटक जाएगा मुंह कब बंद करेगा? खाली होता ना, कृष्ण तो पूरा मुंह में भर गए, गले में अटक गए, उसका श्वास बंद हो गया, प्राणवायु बंद हो गया। श्वास बंद हो जाए ना, बोले मिनट में खत्म। इतने में उसका ब्रह्म तालु फट गई, आंख दोनों रसगुल्ला जैसे निकल गया, और वहीं पर अघासुर ने अपना प्राण को त्याग दी। जब प्राण त्याग दी उसको ब्रह्म उसका जब प्राण त्याग दी एक ज्योति शरीर से निकल करके आकाश में भ्रमण कर रहा था। जब उन्होंने प्राण त्याग दी, इतने देवता लोगों ने जयकार दिए, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जोर से बोलो, बोले श्री नंद के लाला की। अभी उन लोगों ने कृष्ण की महिमा को गा रहे थे, ये धीरे धीरे भूर भुव मोह जन तप और सत्य लोक में पितामह ब्रह्मा जी सुने, बोले भैया ये जय जयकार क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मा जी उतर करके आए, उतर करके आ करके देखा कृष्ण केवल 5 साल का उम्र है और इतना बड़ा दैत्य को मार डाले। और जब कृष्ण मुंह से निकले, उसका जो ब्रह्म ज्योति कृष्ण का शरीर में आकर लीन हो गया। ब्रह्मा जी देखे, भैया ये बालक है कौन? ये ब्रह्म ज्योति भी जिनके शरीर में लीन हो जाए और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा दैत्य को उन्होंने वध कर डाले। इतने में आगे उन्होंने और थोड़ी सी लीला देखना चाहते हैं, ये बच्चा है क्या चीज। फिर इसके बाद में क्या हुआ, हमारे बीच में और एक प्रभु जी है, और एक प्रभु जी श्री अनिरुद्ध प्रभु जी, आपको इसी विषय पर ये प्रभु जी आपको सुनाएंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ देखो ये बच्चों को हम इसीलिए खड़े करते हैं, अभी तो हमारी उम्र हो गई, हम भी इतना कथा नहीं कर पाएंगे, कम से कम ये बच्चे लोग तैयारी होंगे ना, ये लोग धीरे 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 भगवान की कथा जगत में प्रचार करें, इसलिए हम इस बच्चों को खड़े करते। देखो ये जो बच्चे दोनों जो बच्चे खड़े हुए थे ना, ये दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दोनों, और इसका तनख्वाह करके 1,00,000 रुपया इसकी तनख्वाह है, ये बच्चा का तनख्वाह। लेकिन देखो ये पढ़ाई भी कर रहा है, ये पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन अपना नौकरी भी कर रहा है, और उसको साथ साथ में भगवान की भक्ति भी कर रहा है, और इसको साथ साथ में आपको भगवान की कथा भी सुनाते हैं। अगर आपका कोई बच्चा इसी उम्र का होगा क्या होगा, अब सोचो अभी क्या करता होगा, कोई स्मार्टफोन में लगा हुआ होगा, कहीं उल्टा पुल्टा चीज में कहीं लगे हुए होंगे। लेकिन जब बच्चे जब भगवान की भक्ति में आते हैं ना, सब गंदी चीज़ों को छोड़ देते हैं, छोड़ कर क्या करते हैं, भगवान की भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए आप लोग जितने माताएं आए हो, आप लोग जितने माताएं आए हैं, कोशिश करना अपना बच्चों को भी भक्ति मार्ग में लाओ। कहते वंश में अगर एक बेटा प्रभु का भक्ति करे, देखो ये भगवान नरसिंह देव कहते हैं, कहते कुलम पवित्रम, उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाएगा, ये भगवान खुद कहते हैं। जननी जो पिता माता वो बच्चे को जन्म देता है, वो पिता माता का जीवन धन्य हो जाता है। बोले नृत्यंती स्वर्गे, जो तुम्हारी पूर्वज लोग पहले चले गए, जब देखते हैं वंश में कोई भजन करता है वो हाथ उठा उठा करके नाचने लग जाते हैं। बोले वसुंधरा वसतिश्च धन्या, जिस पृथ्वी को ऊपर में वो बच्चा जन्म लेता है, ये पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती, अहो भाग्य है ऐसे एक संत मेरे गोद में जन्म लिया है, इतने महिमा एक संत जन्म लेने का। हाँ ध्यान देकर सुनो, और एक चीज, अगर बेटा अगर भजन नहीं किया, बेटा अगर गलत रास्ता में तुम्हारी चली गई, बेटा अगर भजन करेगा तो इतना लाभ है, अगर बेटा अगर तुम्हारी गलत रास्ता पर गए इसका पाप भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बताए बात मत करो, ए इधर सुनो ध्यान से, इसलिए अगर बच्चे तुम्हारी गलत रास्ता पर गए इसका पाप भी तुमको भोगना। देखो पुराण की कथा है, इसको ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय कोई एक योगी स्वर्ग में पहुंचा,
देखा एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया, रत्न सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सरिया उनको सेवा कर रही थी, लेकिन वो स्वर्ग में भी बैठ बैठ कर रो रहा था, बेहोश हो रहा था। तो वो जोगी ने पूछा, भैया तू इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आए और तुमको अप्सरिया सेवा कर रही है, तू यह रो रहे क्यों, बेहोश क्यों हो रहे हो? देखो क्या कहता है, बोले मैंने बहुत पैसा कमाया, तेने दान पुण्य किया, इसका फल स्वरूप में स्वर्ग में आया, लेकिन फिर तुम फिर रो रहे क्यों? बोले मैंने जो बच्चों को जन्म दिया था ना, जो इतना पैसा कमा करके आया था, अभी वो बच्चे ये पैसा को गलत काम पर लगा रहे, कोई जुआ खेल रहे, कोई शराब पी रहे हैं, सब गंदे काम में लगे हुए हैं। चूंकि मैंने ही पैसा कमाया था और मेरे पैसा को ये गलत काम पर लगा रहे हैं, मेरे को ये स्वर्ग में भी उसका पाप मेरे को नहीं छोड़ रहा है, ये स्वर्ग में भी ये पाप मेरे को नहीं छोड़ रहा है। इसलिए अगर हमने बच्चे जन्म दिए, भजन करेंगे तो इसका पुण्य मिलेगा, अगर कोई उल्टा पुल्टा रास्ता में जाएंगे ना, इसका पाप भी पिता माता को ही लेना पड़ेगा। ये मत समझो बच्चे जन्म दे दिया हो गई। इसलिए मैया सुमित्रा कहती हैं, पुत्रवती जुवती जगस्वई रघुपति, हिंदी समझते हो ना, इसको सुमित्रा कह रही, रघुपति भक्ति जासूस तो हुई, जिसका बेटा राम की भक्त बने उसी माँ को ही पुत्र जन्म देना सार्थकता है। और दूसरे लाइन में कहते हैं, अगर बच्चे को तुमने भजन में नहीं लगा पाए, तुमको बांज रहनी चाहिए, बच्चा जन्म देने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। नाम के तीन बेटे को जुआड़ी एक गंजड़ी भंगड़ी होकर घूम रहे, नाम के बच्चे हो गए। इसलिए बच्चा जन्म देना का सुअर बच्चा जन्म नहीं देता है, इसलिए गाली देती है, तब भी बच्चे जन्म दो जब बच्चे को भजन में लगाओगे, नहीं तो मना कर देती, बच्चे जन्म मत दो। क्यों? प्रसव वेदना सहोगे, पेट में बच्चे धारण करोगे, इतना लिखाई पढ़ा होगा, गंदा काम करेगा तो उसका नर्क में भोग कर उसको पाप जा करके। इसलिए कहते फिर क्यों बच्चे जन्म दोगे तू? इसलिए बच्चे को तभी जन्म दो, पहले बच्चा कहाँ से सीखता है? पिता माता से। पहला गुरु कौन है? पिता माता पहले गुरु। अगर पिता माता अगर भजन करते हैं फिर तो बच्चा तभी तो सीखेगा, खुद दिन भर स्मार्टफोन लेकर पड़े हुए हो, टीवी देख रहे हो, बच्चा क्या सीखेगा तुमसे? खुद माला नहीं जप करती हो, बच्चा तुमको सीखे कहाँ से? इसलिए पहले भजन करो, ठीक है ना, भजन करो और बच्चों को भजन में लगाओ। तो यहाँ पर कुछ माताएं बैठे हुए, उनका भी बच्चे यहाँ पर आए भजन करने के लिए, क्यों माता भजन करती हैं? देखो यहाँ पर तुम खड़े हो जाओ, तो ये बच्चे को देख लो, तुम खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ, देखो ये जो बच्चे देखो इसी उम्र में, देखो ये सब हरिनाम करते हैं, उधर घूम जाओ, ये IAS बनने के लिए कोशिश करी, जो छोटा बताए ना ये IAS ऑफिसर के लिए तैयारी कर, देखने में तो छोटा लगता है, वो बच्चा भी बढ़िया पढ़ाई करते हैं, भजन करते हैं। यहाँ पर भी सब बच्चे जो बैठे हैं ये सबके सब बड़े बड़े अच्छे अच्छे लिखे पड़े हैं, लेकिन चूंकि इनकी पिता माता भजन कर रहे हैं इसलिए बच्चे भी, इसलिए तुम पहले क्या करो, खुद भजन करो, जब तक खुद नहीं करोगे बच्चे कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? बैठ जाओ, बोलो। मम ज्ञान श्रीनांदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं जेना तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरवगोविंद हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म पूज्य पाशु शिव भक्ति बजा श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार बिंदों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। तदुपरांत यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य का अनुरोध। जैसा कि गुरु जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना, माता जी को सबको माता पिता को अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना। तो साउंड तेज कर दो इसका। तो कबीर क्या कह रहे हैं, नारी जने तो संत जने या दानी या शूर वरना बाजन बैठी रहे काहे गवाए नूर। या तो संत जने, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, संत, संत भी जा सकते, संतों की सेवा करने वाला दानी जने, अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम शूर भी होना चाहिए ताकि देश की संतों की रक्षा करें। वही ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्यों नूर गवाना, क्यों ऐसे तैसे करानी, तो बढ़िया बैठ करके भगवान का भजन करो।
कितनी बड़ी बात यहाँ पर बोली। सूर्य जी बता रहे थे कि इस प्रकार ब्रह्मा जी देख रहे थे कि वो अजगर के अंदर जो हरे कृष्ण, आप लोग माता है थोड़ी सी आगे आ जाओगे, जो पीछे आ रहे बैठ सकते, थोड़ी सी खिसक जाओ थोड़ी सी। वो जो अघासुर था उसके जैसे ही प्राण छूटे उसमें से एक ज्योति निकल करके भगवान के चरणों में वहां पर समा गया, जिसको देख करके जो ब्रह्मा जी हैं वो मोहित हो गए। बड़े बड़े देवता सब ऊपर से देख रहे थे कि किस प्रकार भगवान ने अघासुर का वध किया, और अघासुर का वध करने के बाद में कैसे जो उसमें से ज्योति निकल करके भगवान में समाविष्ट हो गई। उसको देख करके जो ब्रह्मा जी हैं वो वहां पर उनको शक, उनको और ज्यादा जानने की उत्सुकता हुई कि ये भगवान तो है। अभी क्या हुआ उसके बाद में, जैसे ही अघासुर का वध हुआ, पीछे माता है जो आई बात मत करना, पीछे जो माता है चुपचाप बैठ जाओ बात मत करो। एक बार सभी लोग हाथ खड़ा करके बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। देखिए भगवान की लीला को समझना बहुत कठिन है। यहाँ ब्रह्मा जी देख रहे हैं, पहला मंगलाचरण श्लोक भागवत का, उसमें कहते हैं जन्मादस्यगतो अनुभयाति तरता चर्थेश्व भिक्य स्वराट तेने ब्रह्म ऋताय आदि कवये मुयंति यत्सूरया तेजो बारी मृताम जता विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि तेजो बारी मृताम यथा विनिमयो। जिस प्रकार क्या होता है रेत के अंदर कभी कभी पानी दिखता है, आप सब तो रेगिस्तान राजस्थान के रहने वाले रेगिस्तान होंगे, राजस्थान के अंदर क्या होता है कभी कभी रेत के अंदर पानी दिखता है कि नहीं दिखता है। इसी प्रकार कभी कभी भगवान की नर्मद लीला को देख करके ना बड़े बड़े देवता सब मोहित हो जाते हैं। अब की बार किसका नंबर है, ब्रह्मा जी का नंबर। ब्रह्मा जी वहां पर मोहित हो गए हैं भगवान को देख करके। क्या देख करके मोहित हो गए, भगवान जैसे अघासुर का वध किया सब बच्चे बोले, सारे भगवान के सखा बोले कितना थक गए हैं चलो कुछ भोजन कर लेते हैं। सब लोग अपने घर से टिफिन लेकर के आए थे, सब लोगों ने अपनी अपनी चीजें खोली, भगवान को बीच में बिठा दिया, सबने भगवान को घेर लिया। जिस प्रकार सहस्त्र दल कमल होता है ना बीच में कर्णिका होती है, आसपास बड़ी सुंदर सुंदर पंखड़ियां होती है, उसी प्रकार सभी सखा भगवान को घेर करके बैठ गए और सभी अपने जो घर से लाए हैं सब बोले कृष्ण देखो मेरी माँ ने कितना सुंदर लड्डू बनाया, देखो मेरी माँ ने कितनी सुंदर खीर बनाई। सब अपने अपने व्यंजन बता रहे क्यों, ताकि कृष्ण हमारे जो वस्तु उसको ग्रहण कर, इतना प्रेम कृष्ण से। इतने में क्या होता है, अभी भगवान कौन है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्पृहंती दिव्यस्तु, बड़े बड़े ब्रह्म रुद्र मरु जो भगवान की स्तुति करते हैं वो क्या कर रहे हैं, सखाओं के हाथ से लेकर के खा रहे हैं, उनका झूठा खा लेते हैं। और भगवान जो खा रहे हैं ना, भगवान का एक सखा है मधुमंगल बड़ा श्रांत, क्या करा भगवान के हाथ से छीन करके और खा लिया। चले बले लड्डू खाए शिमा दो मंगल बगल बजाए यार दे हरि बोल भज भगत वत्सल शिवर हरि। हाथ से छीन करके खा लिया। ब्रह्मा जी देख रहे हैं भगवान के उल्टे हाथ से खा रहे, झूठा फूटा कौन किस जाति का कोई भगवान देखने का किसी का भी खा रहे, किंतु भगवान है कि नहीं है तो और लीला देखनी चाहिए। ब्रह्मा जी और देखना चाहते हैं भगवान की लीला। बस यहाँ जैसे ही भगवान ने देखा कि बाबा आ गए चलपेटे के अंदर में, योग माया को आदेश दिया, योग माया जो है वो ब्रह्मा जी है भगवान की परीक्षा ले गए। उतने में क्या करा, ये लोग सब तो भोजन कर रहे थे और जो गाय जो बछड़े जो जिनके चारण करने के लिए गोचारण के लिए आए थे ना, बछड़ा चराते थे, बछड़े चढ़ते चढ़ते दूर निकल गए। सखा सब बोल रहे हैं कृष्णा देखो हमारे बछड़े बहुत दूर चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं वो अजगर को जो आपने मारा था वो जिंदा होकर के हमारे बछड़े तो नहीं खा गया, उसको हमने जलाया तो था नहीं, कहीं जिंदा तो नहीं हो गया। सारे सखा डर गए। कृष्ण बोले आप डरो मत, आप लोग यहाँ पर भोजन करो, मैं देख कर गया था। बस कृष्ण उनको देखने गए हैं और ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं कि इन बछड़ों को मैं छुपा देता हूँ। लेकिन योग माया ब्रह्मा जी की जो माया है वो कृष्ण के ऊपर काम, कृष्ण के जितने ये परिकर हैं इन पर काम नहीं करती। उन्हीं क्षण जो भगवान की जो योग माया है उन्होंने जो अपनी माया से वहां पर दूसरे सखा प्रकट किए जिसको ब्रह्मा जी ने छुपाया है ना, और जो कृष्ण है वो जब वापस आए आकर के देखा तो वहां पे ग्वाल बाल कोई है ही नहीं। कृष्ण देख करके बोले वहां गया तो वहां बछड़े नहीं,
यहाँ देखा तो यहाँ पे ग्वाल बाल नहीं, सब कहाँ चले गए, सब बड़ा आश्चर्य कृष्ण आश्चर्य में। जैसे ही कृष्ण थोड़ा सा रुकुटी टेढ़ी, उसी समय उनकी इच्छा शक्ति उन्हें ज्ञात कराती है, तो काम किसका है, ब्रह्मा जी का कार्य है। और वहां पे कृष्ण ने क्या करा, उसी क्षण जितने कृष्ण के सखा थे, जितने बछड़े थे, जो जैसे कपड़े पहनता था, जो जैसे बोलता था, कोई हकला के बोलता था, कोई तुतला के बोलता था, कृष्ण वैसे के वैसे ही बन गए, वैसे के वैसे ही बन गए। और क्यों बन गए, क्योंकि क्या होता था, जो ब्रज की जितनी माता जी थी, ब्रज में बहुत सारी माँ है ना, सब क्या सोचती थी, कृष्ण हमारे बेटे हो। जैसे यशोदा मैया उनको दूध पिलाती, हम भी ऐसे उनको स्तनपान कराए। जैसे और जो बछड़े जो गाय होती है, ब्रज की सारी गाय भी क्या सोचती थी, काश कृष्ण हमारे बछड़े होते। यदि भी कृष्ण ने बहुत चेष्टा करी, कैसे चेष्टा करी, अभी बता रहे थे ना, मक्खन चुरा चुरा के सबके घर घर जाके मक्खन चुराए। क्यों चुराते थे मक्खन, क्योंकि जो गोपियां थी ना, वो चाहती थी कि कृष्ण आए और हमें दर्शन दे, हमारा मक्खन चुराए। क्योंकि उनकी जो भी क्रिया होती थी किसके लिए होती थी, कृष्ण के लिए होती थी। गोपियां मक्खन तो बनाती थी, लेकिन मन में क्या भावना होती थी, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल दर्शन, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल दर्शन के प्यासे गुजरिया सा। हरि बोल, हरे कृष्ण, ठीक ठीक था, था ठीक, हाँ बोलो। वो बोल रही है, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, मीठी मीठी हंस के दिखाओ नंदलाल, ओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया सा। कृष्ण ने चाहे घर में मक्खन चुराया, लेकिन फिर भी अभी सबकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, कितनी जगह जाके चुराएंगे। इसलिए कृष्ण ने क्या सोचा, मैं इन सबका ही पुत्र बनकर जाता हूँ। इसलिए जितने जो ग्वाल बाल जो हमारे तो चुरा लिए सारे सखा और बछड़े, अब कृष्ण बन गए हैं, और कृष्ण वापस गोचारण करके वापस, किसी को पता ही नहीं चला क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने क्या छुपा दिया और क्या ही कृष्ण बन गए, किसी को पता नहीं चला। और सब कृष्ण जो है वापस आने लगे। रोज जैसे गोधोली के समय बछड़े आते थे, माँ इंतजार करती थी, और गाय अपने वो बछड़े जो है अपनी माँ का इंतजार कर, जो गाय बछड़े से मिलेंगे कितना इंतजार होता था, गाय इंतजार करती ना बछड़ा कब आएगा दूध पिएगा। लेकिन क्या हुआ, रोज जैसे होता था ना, आज समझो ब्रज के अंदर वात्सल्य की बाढ़ आएगी। क्यों, क्योंकि बछड़े कौन है, कृष्ण, और सारे सखा कौन है, कृष्ण। सारी माँ इंतजार करी कब आएगा हमारे बच्चे, कब आएगा गोचारण से। जैसे ही सारे बछड़े और ग्वाल बाल आए, सारी माँ ने भाग करके उनको गोद में उठा करके स्तनपान कराने लगे, और बछड़े पूंछ उठा उठा के जो गाय का दूध पी रहे, और गाय चाट चाट करके, मतलब समझो अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसे वात्सल्य रस की बाढ़ ब्रज के अंदर में आई है। और ये कितने दिन तक चलाई है, एक साल में, किसी को शक नहीं हो रहा। जो कृष्ण जो जिन बछड़ों को चराते थे, वो बिल्कुल छोटे बछड़े नहीं थे, थोड़े बड़े बछड़े जिनको चराते थे, उन गाय के दूसरे बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन जो अभी अभी बच्चा हुआ ना, उसको तो नहीं जितना प्यार कर रही है, जो पहला बछड़ा है। जैसे जब गाय का दूसरा बच्चा हो जाता है, तो पहले बच्चे को प्यार करते, दूसरे वाले बच्चे को इतना प्यार नहीं करते ना, ऐसे ही होता है ना। लेकिन गाय क्या कर रही है, जो बछड़े पहले से थे, क्योंकि कृष्ण उनको चराते थे, कृष्ण बन गया ना क्योंकि वो, अब उसको ही प्रेम कर रही है। गोचारण करते करते कृष्ण भी गिरिराज जी में गए, और जो बड़े गोप हैं, बड़ी बड़ी गाय को लेकर के गोचारण करते थे, तो जब वहां देखा तो गोप जो बड़ी बड़ी गाय चला रहे थे, और कृष्ण जो है बछड़े चला रहे नीचे ही ग्वाल बाल। तो देखा कि जो गाय है ना, जैसे उन बछड़ों को देखा, तो इतनी तेजी से भाग रही है कि गोप उनको रोक नहीं पा रहे। वो सोच तो रहे कि ये क्या है, ये बछड़े तो बड़े हो चुके हैं, घर में और भी छोटे बछड़े, उनको तो गाय ऐसे नहीं कर रही, ये इनको भी दूध पिलाने के लिए भाग रही, क्यों भाग रही है, क्योंकि वो बछड़े नहीं, वो कृष्ण बने हुए हैं। कृष्ण सबकी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, सबकी इच्छा कौन पूर्ण कर सकते हैं, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण। जैसे हमने कल जाना, सबकी इच्छा पूर्ण करके इस अवतार में सबकी इच्छा भगवान पूर्ण कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी अपने लोक में गए हैं, वहां जाकर के अभी कृष्ण जो है, ब्रह्मा जी के वहां पहुंचने से पहले ब्रह्मा जी ने तो बहुत सोचा, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, बछड़े छुपा कर दिए, अब मैं अपने लोक में जाता हूँ। कृष्ण उनसे पहले ही वहां जाकर के ब्रह्मा बन के बैठ गए, और द्वारपालों को बोल दिया, सुनो मैंने सुना एक नकली ब्रह्मा घूम रहा घर में, वो आए तो उसमें मत देना अंदर में, असली ब्रह्मा मैं हूँ। द्वारपाल बोले ठीक है,
वो चले गए, ब्रह्मा जी आए, बोला कैसे रोक दिया द्वारपाल में, बोला बाबा कहाँ जा रहे हो, बोला अंदर, बोला हमें सब पता कौन अंदर कौन बाहर, अंदर ऑलरेडी वहां पे ब्रह्मा बैठे हुए। ब्रह्मा जी ने झांक करके देखा, ब्रह्मा जी को समझ में आ गया, लगता मेरी कुर्सी गई। तो ब्रह्मा जी वापस ब्रज में, ब्रज में आकर एक क्षण में गए हैं और आए हैं, लेकिन यहाँ कितना समय बीत गया, एक साल बीत गया, और एक साल तक इतना मधुर ब्रज के अंदर वात्सल्य रस का बाढ़ आई हुई है। तो ब्रह्मा जी ने आकर के देखा, मेरे से तो बहुत भारी भूल यहाँ पर हो गई है, अगर मेरे को भगवान की लीला भी देखनी थी तो और भी उपाय थे, मैंने तो परीक्षा लेके गलती कर दी लग रहा। और भगवान से उनको बड़ी अंदर में आत्मग्लानी भी हो रही है, और साथ में वो भगवान की प्रेम में भी अनुकूल, ब्रह्मा आदि गुरु है, हम सबके गुरु है, आदि गुरु है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी भगवान के प्रेम में भी आनंदित है। देखो मेरे कारण भगवान क्या सुंदर मधुर लीला भी कर रहे हैं और कितना मेरे को अनुग्रह भी कर रहे हैं, है ना। इसलिए ब्रह्मा जी अब भगवान की वहां पर स्तुति करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति करी है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, इस स्तुतियों में बड़े बड़े सुंदर सुंदर रहस्य छुपे हुए हैं। पहला भगवान ने स्तुति कर रहे हैं, नव मिट्यते अब्र वपुषे तड़िदाम्बराय गुंजावतम सपिलिपिच्छल सन्मुखाय वन्य सजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रीय मधुपदे पशुपांग जाय। ब्रह्मा जी कह रहे नौमित्य मैं नमन करता हूँ, बोले ये कौन कृष्ण बोले मैं से कितनी जो वरा अपूर्व नरसिंह ये वही कृष्ण है जो सारे अवतार लेकर के आते, मैंने कितनी बड़ी यहाँ पर भूल कर दी और आनंद में भी है कि मैं भगवान ऐसे कृष्ण की मैं स्तुति कर रहा हूँ। नौमित्य इत्य माने जो सर्व सभी देवता भी देवता, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण और भगवान ने क्या कर रखा है, एक वो पहन रखा है क्या बोलते हैं पीतांबर। और भगवान का स्वरूप कैसा है, जैसे नव जलधर, जैसे पानी से वाले बादल आते हैं ना, जब बारिश होने वाली होती सावन के मौसम देखा होगा जब काले काले बादल आते, वैसा भगवान का बड़ा ही सुंदर कलर है, रंग है, रूप है, और उसके अंदर तड़िदम्बर आए हैं, जैसे पीतांबर है ना, जैसे बिजली चमकती है ना, बादल कितने सुंदर लगते हैं लेकिन अगर बिजली चमके तो और सुंदर रूप उसका बन जाता। तो भगवान का पीतांबर समझो तड़िदम्बर आए, उसकी तरह बिजली की तरह। वन्य सजे भगवान ने गले के अंदर बड़ी सुंदर वन फूलों की माला पहन रखी है, और हाथ में क्या है, जब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं तो कृष्ण क्या कर रहे हैं वहां पे खड़े हुए हैं, और उनके हाथ में क्या है, कवल वेत्र दही चावल मिला हुआ, दही चावल, दही चावल भगवान के हाथों में है, और कमर में फेटा बंधा हुआ है, उसमें बांसुरी है, सिंगा है जो बजाते हैं, हैं? और क्या है, और क्या कृष्ण जो है वहां पर बड़े सुंदर और मनमोहक रूप में वहां पर खड़े हैं, जिसकी भगवान कह रहे हैं कि ऐसे कृष्ण जिनके सारे देवी देवता बड़े बड़े जो अवतार भगवान लेकर के जगत के सारे जीवों का उद्धार करते हैं मेरे सामने खड़े, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। फिर और इसके बाद में अब हम लोगों के लिए देखो कितने सुंदर यहाँ पर स्तुति करते करते ही वो उनमें कह रहे हैं, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव ही जीवन्ति सर्वकरिताम भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुबांग मनोभिर्ये प्रायशो अजीत जितप्यसीते स्त्रीलोक्यम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो कृष्ण है ना इनको इनको प्राप्त कर लेना कोई आसान बात नहीं है, कृष्ण को प्राप्त करना क्या आसान बात है, कोई सोचता है कि मैं अपने ज्ञान से सब पढ़ के प्राप्त कर लूंगा तो प्राप्त नहीं होने वाला, क्या करना पड़ेगा, सारे ज्ञानों का प्रयास छोड़ दीजिए और क्या करिए, जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता जो भगवान के शरणागत जो भक्त हैं जो साधु संत जैसे गुरु जी यहाँ पर हैं इनके समक्ष बैठ करके भवदीय वार्ता कृष्ण की कथा को सुनना है। स्थान स्थित जैसे आप लोग यहाँ पे रहते हैं ना तो गोविंद जी के दर्शन करना साधु से कथा सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट, और तनोवांग मनोभिरिये तन से ठाकुर जी की सेवा मुख से हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ हो। तनोवांग मनोभिरिये तन से भगवान की सेवा मन से भगवान का स्मरण और वाणी से भगवान का हमेशा गुण कीर्तन करना, केवल इतना करने से साधु संग और ये तन मन से भगवान की सेवा करने से जो भगवान जिसको तीनों लोगों में कोई नहीं बांध सकता वो हम भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। देखो ब्रह्मा जी उपाय भी बता दिए कैसे भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर बोले हमारे जीवन में तो कष्ट भी आते हैं, दुख कष्ट आते हैं, बहुत समस्या आती है भक्तों के जीवन में। देख ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणं गुंजाने वात्मकृतं विपाके कृत्वा वपुर्वितान् नमस्ते
जीवे त्रयो मुक्ति पदे सदा। बोल रहे जो भी कष्ट आ रहे हैं, देखो भक्त को कैसा होना चाहिए, भक्त को ऐसा होना चाहिए हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आए वो किस कारण से आ रहा है, हमारे कर्मों के कारण। किस कारण से? हमारे कर्मों के कारण से। हम दूसरे को जब तक दोष देंगे ना हमारे जीवन में शांति नहीं मिलेगी। हम बोले इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा, इसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन किसके कारण हुआ? एक मिनट में शांति मिल जाएगी, रहते मेरे कोई कर्म रहे होंगे जो मेरे साथ में ऐसा हुआ। और ऐसा होता भी, मानने वाली बात नहीं, ऐसा है ही, हमारे कर्मों के कारण ही हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? नित्य प्रतिशन भगवान की अनुकंपा का अनुशीलन करना चाहिए कि भगवान ने हमें क्या दे दिया, क्या वस्तु दी है। देखो क्या वस्तु दी है, हमको भारत भूमि पे जन्म दे दिया, दिया कि नहीं दिया। फिर जानवर छिपकली मेंढक नहीं बनाया, क्या बनाया? मनुष्य बना दिया। उसमें भी क्या कर दिया, हिंदू घर में जन्म दे दिया, सत्य सनातन संस्कृति में हम जुड़ गए। उसके बाद में भी क्या करा, बिल्कुल गोविंद जी के मंदिर के तले में बिठा दिया, ला करके बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया। जब घर से निकले किसका दर्शन होगा? गोविंद जी का। गोविंद जी से चूक गए तो गोपीनाथ जी का हो जाए, उधर से चूक गए तो फिर दामोदर जी का, विनोदी लाल जी का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा दर्शन। कितनी कृपा है भगवान की सोच करके तो देखो। उसके बाद में भी हमें ऐसे संत दिए, शुद्ध परंपरा गोविंद जी जिन्होंने स्थापित किए, रूप गोस्वामी ऐसे रूपानुग गुरु वर्गों में से एक, आगे परंपरा से आए हमारे गुरुदेव, बैठ करके आपको उन्हीं गोविंद जी की कथा सुनाए, हमारे भाग्य की कोई सीमा नहीं है। लेकिन हमें अभी उसका अनुशीलन करना नहीं आता है, लेकिन हम धीरे धीरे प्रयास करके अगर उसको सोचे तो हमें पता चलेगा हम कितने सौभाग्यशाली है। उसके बाद में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अथापि ते देव पादम पूजद्वै प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन महिम्नो चिरं नाचान्यम एकोपि चिरं विचरेत। यहाँ पे श्रीधर स्वामी बात कहते हैं प्रसाद लेशानुगृहीत, बोला अगर कोई भगवान की कृपा प्रसाद रूप में अगर किसी को मिला, कोई भक्ति करे वही केवल भगवान को जान सकता है। दूसरा व्यक्ति जो सोच रहा है मैं ज्ञान से प्राप्त कर लूंगा, वो प्राप्त नहीं कर सकता। और भगवान की प्रसाद का अगर करुणा का थोड़ा सा कृपा प्रसाद क्या है, भगवान की कृपा का प्रसाद क्या है? भगवान जब किसी पे कृपा करते हैं तो गुरु रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं? गुरु रूप में आते हैं। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति भज मन भज अनुक्षण गुरु चरण कमल भज मन। कृष्ण कृपा की कौन है? कृष्ण जरूर ब्रजवासियों के साथ मैंने ऐसा किया ना इसलिए नाराज, तो क्यों ना मैं ब्रजवासियों की स्तुति करूं, तब जाके हो सकता भगवान प्रसन्न हो जाए। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं अहोति धन्या ब्रज गो रमण्या स्तन्यामृतं पीतवती व्रते मुदा यासां विभो भस्तरात्मजात्मनां यत्तृप्यते चारं मद्वरा। बोल रहे हैं अहोति धन्या ब्रज गो रमण्या, बड़े बड़े जो यज्ञ हवन जो निरंतर चलते हैं, लोग बोलते स्वाहा स्वाहा, बोले बड़े बड़े यज्ञ सब भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाए, लेकिन आज देखो इन ब्रज की जो गोपियां जो माता है और जो ब्रज की गाय है इनका क्या सौभाग्य है कि कृष्ण इनका स्तन प्राप्त करके स्तन पान करके पूर्ण रूप में तृप्त हो रहे हैं। सौभाग्य है कि नहीं, सोचो है कि नहीं? बड़े बड़े यज्ञ जिनको संतुष्ट नहीं कर पाते आज वो केवल स्तन पान करने मात्र से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। आगे कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक साम जन्मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्य, ब्रह्मा जी कह रहे हैं साधारण व्यक्ति नहीं, कौन कह रहे हैं? ये पूरी सृष्टि की रचना किसने करी है? इस पूरी सृष्टि में सबसे इंटेलिजेंट जीव कौन है बोलो? हमारे कितने सर हैं? एक। ब्रह्मा जी के कितने? चार। वो सबसे इंटेलिजेंट अगर कोई जीव इस पूरी सृष्टि में है तो कौन है? ब्रह्मा जी हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि नंद बाबा की और ये ब्रजवासियों की क्या महिमा है कि उनके घर में किसने जन्म ले लिया, पूर्ण ब्रह्म जी कृष्ण ने जाकर यहाँ पर जन्म ले लिया। तो ब्रह्मा जी अंत में कहते हैं भैया मैं ब्रह्मा जिसके चार मुख जो समस्त वेदों को जानता है जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी है मैं कहता हूँ जानंत बोल रहे हैं। अगर कोई कहता है कि मैं जान गया तो भैया तुम जान गए हो गए, लेकिन मैं ब्रह्मा चार मुख वाला
जो सारे वेदों को जानते हो, हमें भगवान की महिमा, ये भगवान की लीला को अब तक जान नहीं पाया, इसलिए हम भगवान की महिमा जानने के लिए क्या करना होगा, गुरु जी के पास जाकर के सेवा के द्वारा, और जो सेवन मुख है जीवा दो, जो सेवन मुख होगा, जो भगवान की प्रेम में ही सेवा करेगा, हरिनाम करेगा, धीरे 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 यस्य देव पराभक्ति यथा देव तथा गुरु तस्यैति कथिता हि अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, बोल करके अपनी वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। जोर से बोला, देखो आज अभी हम लोग श्री गिरिराज की पूजा की कथा सुनेंगे, गिरिराज की महात्म को सुनेंगे, इसलिए जोर से जयकार बोलो, बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की। अभी ये गिरिराज की हम कथा सुनते हैं, कहते हो जो गिरिराज गोवर्धन, कौन कौन गए गिरिराज गोवर्धन, हाथ उठाओ तो कौन कौन गए, हाँ ठीक है। ये कहते गिरिराज गोवर्धन आए तो आए कहाँ से, कहते ये गोलोक वृंदावन से ही ये गिरिराज गोवर्धन उतरे हैं। बल एक समय श्री कृष्ण गोविंद देव राधा रानी को बोले, बोले देखो राधे मैं ये मरते जगत में जाना चाहता हूँ, मेरे साथ में चलोगी। राधा रानी बोले मैं नहीं जाऊँगी। बोले क्यों, बोले जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं, जहाँ पर यमुना पटरानी नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना गोवर्धन, मैं वहाँ पर नहीं जाती हूँ। कृष्ण ने कहा देखो राधे जब ये गोलोक वृंदावन से मैं उतरूंगा अकेला थोड़ी जाऊंगा, ये पूरा गोलोक वृंदावन जो देख रहे हो 84 ब्रज मंडल पूरा के पूरा मैं उतार दूंगा, ये गिरिराज यमुना महारानी नंदगांव बरसाना निधुवन निकुंजवन और तेरे मेरे पिता माता नंद जसोदा तेरे पिता माता हैं, ये सब के सब ग्वाल बाल सब सखियां चलेगी। राधा रानी बोले ठीक है फिर मैं चलूंगी। इसका मतलब है ये गिरिराज गोवर्धन ये कोई पहाड़ नहीं, ये गिरिराज गोवर्धन गोलोक वृंदावन से ही ये साक्षात रूप में आए हैं। बोले ये गोवर्धन है क्या चीज, बोले हमें तो एक पहाड़ रूप में दिखता है। बोले ये पहाड़ नहीं, बोले गिरिराज कौन है, बोले गोवर्धन जयति शैल कुलाधिराजम जो गोपी का अभिरुदित हरिदास वर्ज कृष्णे न सक्रमख भंग कृतार्थिता जो गोवर्धन त्वम सिरसा नमामि। इसलिए कहते जो गिरिराज गोवर्धन है, कहते राधा कृष्ण का जो प्रेम जब द्रवीभूत होकर के बहती है, कौन है, बोले ये यमुना महारानी। लेकिन जब राधा कृष्ण का प्रेम इकट्ठा हो जाता है जम जाए, कहते ये श्री गिरिराज गोवर्धन, ये कोई पहाड़ नहीं गिरिराज गोवर्धन, ये स्वयं राधा रानी की हृदय से प्रकट हुई। बोले गिरिराज गोवर्धन राधा जी की हृदय से प्रकट हुई ये गिरिराज गोवर्धन। और कहीं कहीं आता है कृष्ण का नेत्र से, ये गोविंद देव का नेत्र से ये गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए हैं। इसलिए श्री गिरिराज गोवर्धन तो आए गोलोक वृंदावन से, जब इसी मर्त्य जगत में कैसे आए, कहते द्रोण और धारा इनके बेटे बन करके गिरिराज गोवर्धन गोलोक वृंदावन से आए। जब आए सारे देवता लोग स्वर्ग से पारिजात की पुष्पों की बौछार करके श्री गिरिराज की जयकार दिए, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। लेकिन अभी प्रश्न है कि गिरिराज गोवर्धन वृंदावन में कैसे आए, तो इसके लिए दो कथा आती है। पहला कथा आती है जिस समय भगवान राम लंका विजय करना चाह रहे थे, समुद्र को बोले मार्ग दे दो, स्वयं समुद्र प्रकट होकर के बोले आपको साथ में दो बंदर है, एक नल और एक नील है, इनको ऋषि मुनिया का वरदान है, कोई चीज भी स्पर्श करते हुए पानी में अगर छोड़ेंगे वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। पहाड़ को लाओ, इनको हाथ में स्पर्श कराओ, और हनुमान को बोले सबके ऊपर श्री राम का नाम लिखे और छोड़े तो क्या होगा, सब के सब पत्थर तैरेगा। अब ये गिरिराज अभी पुल बंद रही थी, अभी हनुमान जी ने देखा जल्दी से जल्दी पुल बंद जानी चाहिए, मैया सीता जल्दी से जल्दी उधार हो जाएगी। वो ढूंढ रहे थे सबसे बड़े पहाड़ कहाँ मिले हमें, और ढूंढते ढूंढते जब सालमली द्वीप में गए, अब लोग गिरिराज गए, अब देखे होंगे कितना विशाल गिरिराज गोवर्धन, विशाल गिरिराज गोवर्धन को देखा, बोले अगर इसको ले जाओ जल्दी जल्दी पुल बंद जाएगी। इन्होंने जय श्री राम बोल करके एक हाथ में श्री गिरिराज को उठा लिए, उठा करके जब आ रहे थे
अभी जहां पर गिरिराज गोवर्धन जब वहीं पर हुए, इतने में पुल बांधना समाप्त हो गया। भगवान राम बोले बंदर को अभी कहीं पत्थर की जरूरत नहीं, पुल बंध चुका, बोल दो जहां से ला रहे हो वहीं रख ले। जब उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को वहीं रख लिए, अभी गिरिराज रोने लग गए, बोले हनुमान जी मुझे इतने दूर से लाए हो, अगर और थोड़ी दूर ले जाते तो प्रभु राम की सेवा में आता, ठाकुर जी चल करके जाते, मैया सीता की उधार होता, मैं ठाकुर को सेवा में लगता, मेरे को यहाँ क्यों रखे। रोने लग गए हनुमान तो त्रिकाल दृष्टा, बोले कोई चिंता मत करो, यही राम ही द्वापर में श्याम बन करके आएंगे और तुमको कनिष्ठ अंगुल में सात सात दिन तक धारण करेंगे, सारे ब्रजवासी इसके नीचे आश्रय ग्रहण करेंगे, कृष्ण इसको इसमें बोले प्रमोद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयति नवजो न द्वंद्व मस्मी निबंधम, तुम्हारी कंदरा कंदरा में कुंज कुंज में ठाकुर कितने रास लीला कितने सुंदर लीला करेंगे, गैया चराएंगे, झरना से पानी पिएंगे, स्नान करेंगे, कितने सुंदर लीला करेंगे, इसलिए कोई चिंता मत करो। ये एक कथा आती है। दूसरी कथा आती है, एक पुलस्त ऋषि थे, वो रहते थे कहाँ पर, काशी में। एक दिन भ्रमण करते करते पहुंच गए सालमल द्वीप में, वहां पर गिरिराज गोवर्धन को देखा, क्या सुंदर गिरिराज गोवर्धन, कितने सुंदर गुफाएं, कितने सुंदर कुंजे, हर तरह का फल फूल से एकदम लदा हुआ गिरिराज गोवर्धन, चिर बसंत जैसे गिरिराज गोवर्धन में। अभी ऋषि का मन भाग गया, अभी उन्होंने पिता माता द्रोण और धरा, बोले मेरे को एक चीज चाहिए, बोले बताओ, बोले आपका बेटे को दे दो, अगर कोई आपका घर में आए एक बेटा हो, अब बोले तुम्हारी बेटे को दे दो, अब दे दोगे बेटे को, वो तो बड़े चक्कर में पड़ गए, बोले अगर मना कर दूं तो अभिशाप दे देंगे, बोले देखो बेटे को पूछ लो जाएगा कि नहीं, बेटे को ही पूछ लो, बोले गिरिराज मेरे साथ में चलना पड़ेगा, उन्होंने देखा अगर मना कर दूं मेरे को भी अभिशाप दे देंगे। उन्होंने एक बहाना बनाया, बोले दो शर्त पर जा सकता हूं, पहला शर्त है मेरे को हाथ में उठा करके ले जाना पड़ेगा, चल करके नहीं जाऊंगा, दूसरा शर्त है अगर बीच में आप अपवित्र होकर कहीं नीचे रख लिया ना, फिर नहीं जाऊंगा। बोले कोई चिंता मत करो। उन्होंने पूरा पुलस्त ऋषि गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए, उठा करके जब जा रहे थे, अभी जहां पर गिरिराज गोवर्धन वृंदावन में, जब वहीं पर आए, ये गिरिराज क्यों आए, बोले कृष्ण की सेवा करने के लिए आए। उन्होंने देखा ये पुलस्त ऋषि काशी मेरे को फांसी देने ले जा रहे हैं, क्योंकि जो काशी है ये ब्रह्मवादी मायावादियों का स्थान है, वो भक्तों का स्थान नहीं, वो भगवान को जो निराकार निराकार मानते हैं, और वो जो मुक्ति एक तरह का सुइसाइड है, बोले पता नहीं काशी में मेरे को कहाँ फांसी देने ले जा रहे हैं, मैं तो कृष्ण सेवा के लिए गोलोक वृंदावन से आया। तब उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना किया, ठाकुर जी मेरे को अपना चरण में स्थान दे दो, मैं तो आपके चरण की सेवा करने के लिए आया हूँ। जब इतना प्रार्थना किया, जोग माया ने ऐसे माया फिराया, इतने जोर से उनको लघु संख्या लगी, वो किसी तरह से रोक नहीं पाए, भूल गए मैंने क्या प्रतिज्ञा की थी, उनने गिरिराज गोवर्धन को ही रख दिया, और घंटे तक बैठे तो पैसा पाबंदी नहीं हो, क्योंकि ठाकुर जी की माया। उठने बाद में उन्होंने हाथ पैर धो करके जब गिरिराज को उठाने के लिए गए ना, हे गिरिराज टस से मस नहीं हो, बोले गिरिराज किया हो गया उठो, बोले आपने क्या प्रतिज्ञा किया था, बीच में उतारेंगे नहीं, अपवित्र होंगे तो मेरे को स्पर्श नहीं कर सकते, घंटे तक तो बैठे हैं, इसलिए अभी मैं जाने वाला नहीं, बल मैं तेरे को अभिशाप देता हूं, तू टुकड़े टुकड़े हो जाओगे और पल पल में एक सोरिसा तुम खीण हो जाओगे। गिरिराज बोले देखो मैं इसलिए यहाँ रहना चाहता हूँ ठाकुर का सेवा के लिए, अगर ठाकुर जी आने से पहले अगर मैं क्षीण हो गया टुकड़ा टुकड़ा हो गया, फिर ठाकुर को गोविंद देव का मैं सेवा कैसे करूँगा, मेरे को इतना वरदान दो जब तक ठाकुर जी नहीं आकर के लीला नहीं करते हैं तब तक मैं पूर्ण रूप में रहूं, जब ठाकुर लीला करके चले जाए अभिशाप लागू हो। उन्हें तथास्तु बोल दिए। इसलिए गिरिराज गोवर्धन आप जो देखा है ना, इनका स्वरूप ये नहीं, विशाल स्वरूप गिरिराज की, कहते 64 मील ऊंचाई लंबा चौड़ा थी, विशाल था, लेकिन इस ऋषि के अभिशाप से टुकड़े टुकड़े हो गए और धीरे 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 तिल 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 ये नीचे 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 धसते जा रहे, क्योंकि जब ये घोर कलयुग आएगा ना, ये गंगा भी नहीं रहेगी, ये यमुना भी नहीं रहेगी, कोई नदी नहीं रहेगी, गिरिराज धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे, घोर कलयुग आएगा और उस समय मार पीट लड़ाई झगड़ा, इसलिए जितना जल्दी हो ठाकुर जी की भजन करो और ठाकुर के पास में चल चलो, हैं, फिर दो बार जगत में जन्म लेने नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जो गिरिराज गोवर्धन, इनका तीन स्वरूप है, कितना स्वरूप है,
एक स्वरूप तो ये साक्षात कृष्ण, ये गोविंद देव स्वयं हैं, ये गोविंद देव स्वयं ये गिरिराज रूप धारण किए। दूसरा स्वरूप क्या है, एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने कठोर तपस्या की, किसकी, गोविंद देव की। जब गोविंद देव संतुष्ट हुए बोले वर मांगो, बोले प्रभु आपकी चरण की हम सेवा चाहते हैं। बोले किस रूप में, क्या मेरा सखा सखी बन करके, बोले हमारा इतना कहाँ सौभाग्य आपका सखा सखी बन सके। अगर ब्रज में हम अगर पहाड़ रूप में जन्म हो जाए, हमारे सर के ऊपर आप लीला करे, जीवन धन्य होगा। तथास्तु बोल दिए। देखो ये ब्रज की कितने महत्व है, ये स्वयं नंदीश्वर महादेव, स्वयं शंकर जी नंदीश्वर पर्वत रूप में प्रकट हो गए, स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत रूप में, जहाँ बरसाना रूप में, स्वयं विष्णु ये गिरिराज गोवर्धन रूप में स्वयं विष्णु प्रकट होते हैं। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले गिरिराज गोवर्धन की, बोले इनका जो तीसरा स्वरूप क्या है, राधा रानी स्वयं कहती हैं, हंताय अद्रियवला हरिदास वर्ज, कद भगवान की ये सबसे बड़े सेवक है, क्यों कृष्ण वहीं गैया चराए, पानी वहीं पिए, कंदरा कंदरा में लीला की, इसलिए भगवान की ये सबसे बड़े सेवक है। बोले एक समय भगवान कृष्ण अभी 7 साल 2 महीना की है, एक दिन देखा रात भर मैया जसोदा लड्डू कचौड़ी मालपुआ बड़ा चकाचक भोजन बना रही है। यद्यपि कृष्ण को सब कुछ पता है, कृष्ण का 7 साल 2 महीना हो गए, हर साल तो गोवर्धन पूजा होती, वो क्या देखते नहीं, वो देखते हैं, लेकिन कृष्ण की इच्छा है ये जो गिरिराज गोवर्धन की महिमा को स्थापन करने के लिए। किसको पता नहीं ये गिरिराज गोवर्धन कौन है, ये स्वयं कृष्ण और भगवान कृष्ण रहते हुए ये ब्रजवासी दूसरों क्यों सेवा करेंगे, किस लिए, इसलिए कृष्ण नहीं चाहते हैं हमारी भक्त लोग दूसरे देवा देवी को पूजा करें। इसलिए कृष्ण ने कहा, मैया ये रात भर ये लड्डू कचौड़ी मालपुआ किसके लिए बना रहे हो, बोले जा पिताजी को पास में जाकर पूछो। पिताजी को कृष्ण गए, नंद बाबा की गोद में बैठकर दाढ़ी पकड़ करके बोले बाबा बाबा ये मैया रात भर इतने सुंदर सुंदर क्यों बना, पकवान क्यों बना रही है, क्या कल मेरी जन्मतिथि थी, बोले नहीं, बोले दाऊ भैया के, बोले नहीं फिर क्यों बना रहे हो, बोले लाला हम जो स्वर्ग का राजा जो इंद्र हैं, हाँ इंद्र है, इनके अधीन में ये परिजन्य मेघ और ये इनकी आशीर्वाद से मेघ होता है, इसलिए हम इंद्र पूजा करते हैं। मेघ होने पर घास होगा, गैया घास खाएंगे, दूध देंगे, उससे दही, उससे मक्खन और राबड़ी, जो कुछ दूध से बनता, दूध हमारी मूल धन है, इसलिए हम श्री इंद्र की पूजा करते हैं। देव कृष्ण क्या युक्ति दी, बोले पिताजी ये जंगल क्या इंद्र पूजा करते हैं, ना ये समुद्र क्या इंद्र पूजा करता है, तो वहाँ पानी क्यों बरसती है। इसलिए पिताजी हमारे जो ब्रज का देवता है ना, ये जो गिरिराज गोवर्धन दर्शन कर रहे हो, ये पहाड़ नहीं, ये ब्रज की हमारी देवता है। मेघ आकर के उसमें टकरा करके बारिश होती है, फल फूल दूध हमको कहाँ से मिलता है, गिरिराज गोवर्धन से, वहीं से सारी चीजें हमें प्राप्त होता है। और ब्राह्मण जो गैया हमारी धन है, ब्राह्मण हमारे देवता है, आप ब्राह्मण गैया की पूजा करो, ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, इनकी कृपा से बारिश होती है, ये पहाड़ नहीं, ये ब्रज का ये साक्षात प्रकट देवता श्री गिरिराज गोवर्धन। बोला श्री गिरिराज महाराज की। कृष्ण ने कहा पिताजी ये बताओ कब से आप ये इंद्र पूजा कर रहे हो, बोले जब से होश आए, बोले जब भोग लगाते हो ठाकुर को देखा आकर खाते हुए देखा, बोले नहीं लाला, बोले पिताजी जब आप गिरिराज की पूजा करोगे, इन्हीं आंखों से देखोगे, ठाकुर स्वयं प्रकट होकर के सब कुछ ग्रहण करेंगे पिताजी, साक्षात रूप में ग्रहण करेंगे, और जो कुछ आप मांगोगे धन दौलत पुत्र परिवार, जो कुछ मांगोगे गिरिराज आपको सब इच्छा पूरी कर देंगे। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये जो गिरिराज गोवर्धन है ये सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब सारी इच्छा को श्री गिरिराज पूरी करते हैं। गुरुदेव कहते थे जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं ना, ठाकुर जी उसको पीछे 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 घूमते हैं, इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहे हैं, क्या मांगेगा, जो मांगो गिरिराज वही दे देते हैं। अब गिरिराज गए हो, कौन कौन गए हैं आप देखना, गिरिराज शिला के ऊपर में शिला रखा हुआ देखे होंगे, बोले क्यों, बोले जिसका जितने मंजिली मकान चाहिए, अब गिरिराज शिला के ऊपर जितना रख लोगे ठाकुर उतना मंजिल मकान दे देंगे, इतना महिमा। हमारे बड़ौत में एक भक्त है, एक बार हम लोग घर में कीर्तन करने के लिए गए, छोटी सी घर था, लेकिन दूसरा साल जब गए ना वो विशाल 3 मंजिल मकान,
हमने कहा भैया एक साल में इतने पैसा तुमने कहाँ से कमाए, हम तो पहली बार आए थे, देखा तुम्हारी एक छोटा सा कुटिया एक साल में। बोले महाराज सच बताओ। बोले क्या है? बोले एक बार मैं गिरिराज गोवर्धन गया था, मैंने सुना था कि गिरिराज शिला के ऊपर जितना शिला रखो ठाकुर जी उतना मंजिल मकान दे देते हैं। मैंने तीन गिरिराज गोबर तीन रख करके आया तो पता नहीं एक महीने साल में इतने पैसा आया, इतना पैसा आया मैंने पूरा के पूरा तीन मंजिल खड़ा कर दिया। बोले से गिरिराज महाराज की जय। आप देखे होंगे वहाँ पेड़ में पेड़ बंधा धागा बंधा हुआ है, देखो क्यों? बोले जिनकी लड़कियों की शादी नहीं होती है, जिसका काम धाम नहीं चल रहा है, जिनका नौकरी चाकरी नहीं कुछ भी, गिरिराज की परिक्रमा करते हुए मांगो, उनको अभिषेक करते हुए गिरिराज सारी इच्छा को पूरी कर देते हैं। देखो ध्यान से सुनो। लेकिन गुरुदेव और एक बात कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं ये साधारण चीज तो गिरिराज आसानी से दे देंगे, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत, लेकिन एक चीज जब मांगोगे ना फिर गिरिराज चिंता में पड़ जाते हैं, उसको दूं कि नहीं दूं। बोले वो चीज क्या? बोले भगवान का भक्ति, भगवान की प्रेम। जब ये चीज मांगोगे गिरिराज सहज में नहीं देते। बोले क्यों नहीं देते? बोले धन दौलत देकर तो छूट जाते हैं, लेकिन जब भक्ति देते हैं ना ठाकुर का उनको वशीभूत होना पड़ता है, इसलिए सहज में ठाकुर जी भक्ति देना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर सच दिल से उनको मांगोगे भगवान की प्रेम और भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे देखो हम ये संसार में क्यों भटक रहे, ये स्त्री पुत्र परिवार के चक्कर में ही भटक रहे जन्म जन्मांतर, इसलिए गिरिराज से ही सब चीज मत मांगा करो, इनकी सेवा मांगो, इनकी भक्ति मांगो, उनकी प्रेम मांगो। अगर प्रेम अगर मिल गया, ठाकुर की भक्ति मिल गया जाए तो को, अगर प्रेम धन मिल गया तो गुरुदेव कहते थे सारे धन तुमको मिल जाएगी, सारे धन तुमको प्रेम धन, अगर भगवान तुम्हारी प्रेम में वशीभूत हो गए, विश्व ब्रह्मांड तुम्हारे हाथ की मुट्ठी में आ गए, सारा दुनिया तुम्हारी। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि भगवान की भक्ति और प्रेम मांगो, जिसको द्वारा इसी जीवन में भी शांति और जन्म जन्मांतर के लिए ठाकुर जी की पास में चले जाएंगे, परम आनंद और परम शांति में रहेंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की। नंद बाबा बोले लाला इन्हीं आंखों से हम देवता दर्शन होगा। बोले हाँ। बोले भैया कल तो हम इंद्र पूजा नहीं करेंगे, हम तो श्री गिरिराज की पूजा करेंगे, जाओ पूरा ढिंडरा पिटवा दो ब्रज में, कल इंद्र पूजा नहीं गिरिराज की पूजा होगी और गिरिराज साक्षात दर्शन देंगे, हम दर्शन करेंगे गिरिराज को। ढिंडरा पिटवा दिए, जितने ब्रजवासी थे ना उसका नाम पड़ गया अर्णकूट। अर्णकूट मतलब क्या? अर्ण मतलब होता अर्ण और कूट मतलब होता पर्वत। चावल चार तरह का था, चावल बना करके लाए, मैं तो कल बताया था, पता नहीं अब लोग कितने तरह का चावल लाए हो, एक भी नहीं है ना, एक तरह का फीकी चावल, एक मिट्टी चावल, नमकीन मटरी पनर चावल, चार तरह का तो चावल लाए। कढ़ी दो तरह का लाए, एक राड कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी। राड कढ़ी बगर पकड़ो के और सुहागिनी जो जिसमें पकड़े डाल कर लाए, दो तरह का कढ़ी। और यहाँ तो दाल बाट चूरमा बड़ा प्रसिद्ध है, दो तरह का चूरमा लाए। बोले वो भी नहीं लाए, दो तरह का चूरमा लाए। देखो एक हंसना और एक रोना। हंसना मतलब जो पतल में रखते जो खिल जाए, रोना मतलब जैसे घी टपकता है। दो तरह का तो चूरमा, यहाँ चूरमा का तो बड़ा प्रसिद्ध है। हाँ दाल बाट चूरमा यहाँ बड़ा प्रसिद्ध दाल बाट चूरमा है, इसलिए बड़े सुंदर सुंदर गिरिराज के लिए लाए। कृष्ण स्वयं पंचामृत के द्वारा गिरिराज के अपना हाथों से उन्होंने गिरिराज के अभिषेक ठाकुर जी स्वयं किए। अभिषेक करते हुए वहाँ पर जितने सब खाना लाए थे उसमें ठाकुर जी तुलसी दल रख करके गिरिराज का आसन आचमन पुष्प देकर बोले गिरिराज जी आप कृपा करके पधारो और प्रसाद स्वीकार करो। जब इतना बोले इतने में सचमुच से गिरिराज जी प्रकट हो गए, इतने विशाल रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। और बोले देखो मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन, देखो ठाकुर स्वयं कह रहे, भगवान के मुंह से निकली हुई वाणी है, मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूँ। आज का दिन ये अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न का दाना अगर मेरे सेवा में किसने लगाया, मैं वरदान देता हूँ एक जीवन नहीं घर में किसी जीवन में तुम्हारी घर में अन्न और वस्त्र का अभाव नहीं पड़ेगा। ये गिरिराज के मुंह से निकली हुई वाणी है, इसलिए आप जाकर गिरिराज को देखो, बार महीना वहां पर अन्नकूट चलती रहती, बार महीना बड़े बड़े दूर से आकर गिरिराज की अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं। इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिए और दोनों हाथ पसार पसार कर खा रहे थे और मिनट में सब खत्म कर दिए। बोले आनो रे और लाओ आनो रे। इसलिए आप परिक्रमा में गए होंगे, पहला जब गांव आएगा ना उसका नाम आनोर गांव, क्यों?
वहीं पर अन्नकूट महोत्सव ठाकुर जी वहीं पर किए थे। बोले गिरिराज बाबा की, इसलिए कृष्ण बोले अगर मेरे को कोई अनादर करता है अन्नकूट की, जन्म जन्मांतर भूखे रहोगे। वो स्वयं कहते हैं मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन में बोल रहा हूँ, प्रकट होकर स्वयं उन्होंने वरदान दिया विशाल रूप धारण करते हुए। ब्रजवासी बोले हे गिरिराज, हम गरीब ब्रजवासी, आप इसी में ही संतुष्ट हो जाओ। वो उसी में ही संतुष्ट हो गए गिरिराज जी। कृष्ण का एक सखा था मधुमंगल, वो ब्राह्मण थोड़ा खाने का थोड़े उनको शौक रहता है। बोले कन्हैया अगले साल से तेरे गिरिराज की पूजा ही नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले ऐसे तेरे भूखे ठाकुर, जब हम इंद्र पूजा करते ना, मिठाई जो होता था कम से कम सूखा मिठाई तो एक महीना रहता था, हम खाते थे, और तेरा ठाकुर तो एक किनका भी छोड़े नहीं, ऐसे भूखे ठाकुर सबके सब खा लिए। कृष्ण ने कहा मेरे ठाकुर को ऐसे मत कहा करो, आँख बंद करो। जब आँख बंद किया ना, गिरिराज गोवर्धन हाथ फेरा लिया, और जो 1 किलो लड्डू वो 2 किलो हो गया, जो 2 किलो रसगुल्ला 4 किलो हो गया, जो 5 किलो हलवा 10 किलो। सखा लोगों तो तरह से उठे, भैया हम तो ठग गए, हमें पता ही नहीं था डबल होगा, नहीं तो ज़्यादा थोड़ा लेकर आते। इसलिए इसका मतलब है ठाकुर जी की भोग लगाओ ना, कभी कमी नहीं पड़ता है। ठाकुर जी को भोग में कमी नहीं पड़ता है, ठाकुर जी को भोग में हर समय बढ़ जाती है। इसलिए कृष्ण ने कहा भैया चकाचक भोजन करो, चलो खाते पीते हम गिरिराज गोवर्धन की, हम सब के सब गिरिराज की हम परिक्रमा लगाएंगे। भगवान स्वयं अपना ग्वाल बाल को साथ में गिरिराज की परिक्रमा लगाए। आगे आगे कौन चल रहे थे? संत ब्राह्मण वर्णन किया, आगे संत ब्राह्मण चल रहे थे, उसको पीछे जितने कृष्ण का गैया भी परिक्रमा कर रहे थे, उसको पीछे जितने पुरुष लोग, और उसको पीछे जितने माताएं, और सबसे पीछे राधा रानी चल रही थी। जब थोड़ी दूर गई, अभी राधा रानी की मन में इच्छा हुई, श्याम सुंदर अगर मेरे मन की बात समझते हैं, मैं चाहता हूँ श्याम सुंदर आ करके मेरे थोड़ा स्पर्श करे। लेकिन राधा कृष्ण तो देखने में दो, वो दो नहीं, बोले जापी राधा सापी कृष्ण, जा राधा कृष्ण ए बस, जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा, केवल लीला करने के लिए उन्होंने दो रूप धारण किया है। अभी राधा इनकी मन कृष्ण समझ गए, राधा जी की इच्छा मेरे को स्पर्श करे। अभी कृष्ण सोच रहे मैं तो बीच में और राधा रानी पूरा पीछे में पीछे, अभी मैं स्पर्श करूं कैसे। इतने में कृष्ण ने किया कि बछड़े को लेकर के पीछे करके उसका पूछ को ऐंठ दिया। जब ऐंठ दिया ना, वो बछड़ा तो फुदकते हुए एकदम पीछे चला गया, और कृष्ण पीछे गए बछड़ा को बहाना बना करके, और राधा रानी को पीछे से स्पर्श कर दिया। ऐ राधा रानी एकदम गदगद हो गई, श्याम गोविंद देव मेरे मन की भावना को समझ करके मेरे को स्पर्श की। जब और थोड़ी दूर गए, फिर राधा रानी सोच रही हैं मैं चाहता हूँ एक बार कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूँ, अगर सचमुच से हृदय को मेरे कृष्ण जानते हैं एक बार दर्शन दे। कृष्ण सोच भैया दर्शन कैसे दूँ, अभी तो राधा रानी पीछे में बीच में, उन्होंने जो गैया चरण का जो लकुटी था ना, वो लकुटी को उन्होंने जोर से उन्होंने फेंके, जब फेंक करके जब उसको पकड़ने के लिए गए, छलांग लगाए, अभी राधा रानी का दो नेत्र और गोविंद का दो नेत्र मिलकर के एक हो गया। हे राधा रानी खुश हो गई, और कृष्ण का जो गैया चरणा में जो लकुटी है ना, वो हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ था। इतने में कृष्ण लकुटी को जो ऊपर कर दिया, उसमें कृष्ण का जो प्रतिबिंब, उसमें ऊपर में प्रतिबिंब पड़े, क्यों हीरे जवाहरात से जड़ा हुई थी, जो प्रतिबिंब पड़े, इसमें राधा रानी दूर से देख रही थी, इतने में कृष्ण का जो प्रतिबिंब पड़ा, वहीं से उन्होंने श्री गोविंद देव का दर्शन किए। ऐसे करते हुए कृष्ण सबको लेकर गिरिराज की परिक्रमा लगाए, और बड़े आनंद से उन्होंने महोत्सव किया। फिर क्या होता है, फिर कल हम लोग कथा सुनेंगे। देखो कल कथा का विश्राम दिन, कथा कभी खत्म नहीं होता है, कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंत। कल कथा का विश्राम दिन, कल भगवान कृष्ण रुक्मिणी का हम शादी भी है, भगवान की महारास भी है, कल कृष्ण सुदामा की चरित्र भी है। अगर आप लोग हो सके तो कोई कोई रुक्मिणी विवाह में साथ, उसमें कोई कभी वस्त्र देते हैं, अगर कोई बढ़िया साड़ी दोगे ना, यहाँ पर नए ठाकुर जी आए हैं, यहाँ पर गोविंद देव भी आए, अगर बढ़िया कोई साड़ी लाओगे फिर हमारे राधा रानी भी पहनेगी वो साड़ी, ठीक है। अगर और फिर जैसे सुदामा दो मुट्ठी चिड़िया लेकर गए थे, ठाकुर जी दो मुट्ठी दिया तो त्रिभुवन का राज्य दे दिया। अगर हो सके तो आप लोग अपना घर से अगर थोड़ी थोड़ी चावल लाओगे तो यहाँ पर भी ठाकुर जी है, ठाकुर का सेवा में लगेगा, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री गिरिराज महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। अभी हमारे प्रभु जी एक गिरिराज की एक सुंदर भजन गाएंगे, जल्दी जल्दी करो, गिरिराज की एक भजन गाएंगे। देखो गिरिराज की भजन में अगर नाचोगे ना
फिर 84 लाख जोर में नाचना बंद हो जाएगी, इसलिए सबके सब खड़े होकर के गिरिराज गोवर्धन नाचना। हर देखो, और एक बात है, कल माताओं को सब कुछ कुछ मिला था ना, माताओं को चूड़ी और बिंदी मिली थी ना। आज देखो, आज भाइयों के लिए, क्या नाम तुम्हारी? मंजू। हमारे माता जी कितने भाई लोगों को सबके लिए जुड़ा मोजा भी लेकर के आई है। हम लोग एक एक मोजा लेकर के जाना। और अभी ठाकुर जी को भोग लगा है अन्नकूट का, इसका प्रसाद भी सब लेकर के जाना। सभी लोग गिरिराज की प्रसाद ले जाना। भैया पीछे जो भाई लोग है, आप लोग इधर आकर के जो प्रसाद है, ये प्रसाद को व्यवस्था करो, जैसे सब लोगों को ये प्रसाद मिलनी चाहिए गिरिराज गोवर्धन की। हमारे जो मंदिर के जो सेवक लोग हैं, आप लोग ये व्यवस्था करो जैसे प्रसाद सब। हाँ, गिरिराज के भजन का। श्री गोवर सनातन, इसको सना भोग लगा देते। तेरे माथे मुकट विराज,